कैसे आप सब? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बस लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था? ओके, शब्दा तक कर लिया था। ठीक है, फाइव पीएम की क्लास होगी क्या? है फाइव पीएम में देख लेती हूँ। है क्लास तो बिजनेस फाइनेंस की है। हाँ, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस की क्लास है थर्ड। गुड आफ्टरनून। देखती हूँ, एक मिनट, पीछे चले आती हूँ आराम से। ये भी सब हो गया था। ओके, यहां से करना है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। न्याय अ स्कूल ऑफ लॉजिक है ये, जैसे कि चार्वक है वैसे। ठीक है, इंडियन ट्रेडिशनल ट्रेडिशन में शब्द और स्पीच ओरिजिनेट हुई है। शब्द ब्रह्मा, नार ब्रह्म, यहां से। सो दैट साउंड इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। तो इसको चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब नवनीत किसी और कंप्यूटर से या फोन से ट्राई करो, फिर आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ। अच्छा लिसन, जो शब्द है उसमें पारा का मतलब है इट मैनिफेस्ट इट सेल्फ एक्सक्लूसिवली इन नॉलेज ऑफ ट्रूथ। नॉलेज रिमेन इटर्नल। पारा मीन्स जो हमारा, हाँ, नॉलेज है। पारा मीन्स बियॉन्ड हाईएस्ट लेवल। तो मतलब कि यहाँ पर नॉलेज इटर्नल है, कभी ये मरती नहीं, पारा वाली नॉलेज। ठीक है, सो फिर पाश्यंती। पाश्यंती का मतलब क्या है? मैनिफेस्ट इन माइंड, ये हमारे दिमाग में होती है। पश्यंती इज इन आर माइंड। देन माध्यमा, मैनिफेस्ट इन इंद्रिय। इंद्रिय क्या होते हैं? इंद्रिया हमारी सेंसेस, फाइव सेंसेस। ऐसी नॉलेज होती है जो हमारे फाइव सेंसेस में होती है, उनके द्वारा हम सीखते हैं। हेलो। एंड वैखरी। वैखरी का मतलब होता है कि हम बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किसी को। ऐसा व्हीकल से स्मोक निकलता है, वहां फायर नहीं होती। पॉजिटिव इंस्टेंस कैसे एग्जिस्ट होता है? एक्चुअली वो व्हीकल में वो बर्न ही हो रहा होता है। ठीक है, जो फ्यूल है ना वो बर्न होता है, कम्बशन होता है, और इसलिए उसमें स्मोक भी निकलता है। अगर वो ज्यादा ही उससे बर्न होगा तो आपको उसकी फिर फायर दिखाई देती भी है समटाइम। ठीक है, वैसे वो उसमें वो बर्न होता है, कंबशन होता है उसका। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, क्या नहीं है भाई, जो है इधर पढ़ लो फिर। ठीक है, पारा मीन्स बियॉन्ड, पाश्यंती मीन्स हमारे दिमाग में होते हैं कुछ साउंड्स, और मध्यम मतलब कि हमारे मध्य में, हमारे अंदर क्या है, इंद्रियां। एंड वैखरी मतलब एक्सप्रेशन, जो हम एक्सप्रेस करते हैं ऐसा। हाँ बता रहे हैं, पेज से पेज नंबर देख लो। पारा, पश्यंती, माध्यम एंड वैखरी, ये फोर कंसिक्यूटिव फ्रेजेस है कि किस किस तरीके के फ्रेजेस होते हैं साउंड के, जब हम सुनते हैं उससे थोड़ा पहले। जब हम कोई साउंड सुनते हैं, या तो हमारे दिमाग में होता है, तो उसके बाद मैं बोल रही हूँ, ठीक है, या तो हम लोग सेंसेस के द्वारा उसका ज्ञान कर रहे हैं, या तो हम बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर वो ऐसा है जो कि पारा है, इट मीन्स इटर्नल है, वो बियॉन्ड है, सब स्पिरिचुअल लेवल आप कह सकते हो वो वाले वर्ड्स। सो फोर सिक्वेंशियल स्टेजेस है कैसे साउंड परफॉर्म होते हैं, और आप इसको ओरिजिन से भी सीख सकते हो कि जिस जिस तरीके से ये आया है, या फिर वर्ड को बोल बोल के भी सीख सकते हो। अतरिंग मीन्स, अतर मीन्स बोलना। ठीक है, पारा जो होता है वो एवरलास्टिंग होता है, कभी मरता नहीं है। पश्यंती पर्सन के अंदर की कॉन्शियसनेस है, मन। ठीक है, मन। एंड माध्यम हमारे जो माइंड है उससे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे, हमारे फाइव सेंसेस से।
एंड वैखरी इज स्पोकन लैंग्वेज, जो हम बोलते हैं, जो वाणी होती है. तो एक्चुअली जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वो कुछ ऐसे सेंटेंस है जो कि इटर्नल है, ठीक है. उसको हमने अपने मन में समझा, उसको हमारे फाइव सेंसेस ने अंडरस्टैंड किया, अब जाके वो स्पोकन लैंग्वेज में निकल रहे हैं, ठीक है. तो दीज आर स्टेप्स, फिर हम उसको बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. तो अब थोड़ा और डिटेल में लेते हैं. पारा का मतलब हाईएस्ट नॉलेज. तो ये ब्रह्म हो गया ना, ब्रह्मा फर्स्ट. पारा का मतलब ही बियॉन्ड होता है, जिसमें हम कोई भी चीज है उसका परमानेंट नॉलेज पा लेते हैं और हमें कोई डाउट नहीं होता, ठीक है. और अपारा का मतलब लोअर लेवल की नॉलेज. पारा मंस एवरलास्टिंग, जो बिल्कुल परम सत्य है, ठीक है. सो यहाँ पर डिवाइन वॉइस जो है ना वाणी की, वो सुन सकते हैं एम्प्टी में भी, पारा में, क्योंकि हम बिल्कुल शांत है तब भी हमें कुछ समझ में आएगा. शून्यता एम्प्टी में भी हम समझ सकते हैं. इधर किसने बोला था पारा वर्जन, किसने दिया था? मूल धारा चक्र. यहाँ पर मूल धारा चक्र जो होता है ना, वहां पे हमारा जो पारा वर्जन है वो स्टार्ट होता है और वो हमारे दिल तक जाता है. ये हम जब योगा करते हैं तो उसमें होता है ना मूल धारा चक्र, ठीक है. सो दीज आर चक्र. यहाँ से हमारे दिल तक जाता है पारा विद्या. ऑथर भरतारी ने डिस्क्राइब किया है श्लोक, जिसके अंदर वाक्य पाड़िया के बारे में उन्होंने बताया है, वर्णन किया है, ठीक है. तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो पारा के बारे में हमें समझनी है, कि पारा जो है वो मूलधार चक्र से दिल तक जाता है, हर्ट तक जाता है, और भारतारी ने डिस्क्राइब किया है. देन जो पश्यंती है वो कैसा है, कौन से वाले चक्र से निकल के आ रहा है? तब दिल की बात दिल से होती थी. अच्छा, दिल की बात, ये दिल ही है. When पारा वाणी reaches to our heart, दिल तक आया ना, सही बात है. ये sequence देखो, पता चल रहा है ना, ये sequence. पारा true knowledge हमारे मन में आ रही है, ऐसा. Zero decibel सुन सकते हैं. तुम उसको science के साथ relate कर रहे हो, ये लोग logical person है. ये वैसे आप कह सकते हो, ये कह रहे हैं कि जब बिल्कुल शांति होती है तब भी हम गॉड को पा लेते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे, ये वो वाला पारा हो गया, ठीक है. ये वो कहना चाह रहे हैं योगा के हिसाब से. हाँ जी, तो पारा वाली वाणी हमारे हर्ट तक जाती है, दिल तक जाती है. तो ये पहला स्टेप हो गया. यहाँ पे बोला था मूल धार चक्र से शुरू हो रही है, दिल तक आ रही है. सो इसको पश्यंती बोल देते हैं फिर. दिस वाणी हाउस्ड इन मणिपुर चक्र. ये कहाँ होता है? मणिपुर चक्र में. पश्यंती या फेंट विस्परिंग, फुसफुसाहट, तो शांति से फुसफुसाहट पे आ गए, दिल बोल रहा है कुछ. पश्यंती या फेंट विस्परिंग रेफर टू लैंग्वेज स्पोकन फ्रॉम द हर्ट, दिल से जो बात कर रही हो ना वो आती है ये. फिर इट थॉट दैट एंशिएंट सेज, जो उनको पुराने वो ऋषि थे, यूटिलाइज दिस स्टाइल डिस्कोर्स टू बेस्ट ऑफ बोन्स एंड कर्स. मतलब कि ये वरदान या श्राप देने के लिए, ठीक है, बेस्टो करने के लिए या कर्स के लिए दिल से आवाज देते थे, तो फिर वो सामने वाले के साथ हो जाता था, ऐसा. जो माध्यम है, माध्यम क्या चला गया? हमारे बिल्कुल ही अंदर चला गया. बच्चे 190 पेज के उस पास पास बता रहे हैं, अब आप प्लस क्लास में हो, थोड़े अंदर के और टेक्निकल टर्म बता रही हो, ये टेक्निकल टर्म साथ लिखनी है तो अपने हाथों से लिख लो, ठीक है. सो माध्यम के अंदर क्या है? इंटरमीडिएट स्टेज, फाइव सेंसेस वाला था. सो माध्यम, इट इज डिस्कोर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम केयरफुल कंसिडरेशन एंड एक्शन. अब हम उसको समझ जाते हैं पूरे अच्छे से. पश्यंती इंट्यूशन हो सकती है, दिल से कही हुई बात है वो. तुम्हारे इंट्यूशन दिल से आती है तो वो हो गई, अच्छी बात है. अभी तो ध्यान दो, क्या कह रही हो तुम 2021 की बुक है कंसेप्ट वाली, तो क्या नोट करो, वो आपकी इच्छा है. यहाँ पर न्यू वाले पीडीएफ के अंदर भी है, अगर आपको बुक का अनलोड करोगे. कंसेप्ट वाली खत्म हो गई है, क्वेश्चन बैंक कैसे रखो वो भी खत्म होने वाली है, तुम यहाँ से पढ़ लो. माध्यम क्या है? इन इनर टर्म इट कैन बी रिगार्डेड एज एक्टिव डिस्कोर्स, जिसके अंदर हम एक्टिवली अपने जो थॉट प्रोसेस है उसके उससे लेसन दे रहे होते हैं. डिस्कोर्स मीन्स कुछ बोल रहे होते हैं. तो यहाँ पे जो चक्र काम करता है वो कौन होता है? अनहत चक्र, ठीक है. मूल दाल चक्र था ऊपर, फिर मणिपुर चक्र आ गया, अब यहाँ पर अनहत चक्र.
said to be seated of this speech. अनहद चक्र होता है. Then वैखरी होता है बोलना, ठीक है, कुछ लैंग्वेज बोला. तो लैंग्वेज जब हम बोलते हैं, अब हमारे मुख से वाणी निकलती है, तो वो बोलते हैं हम स्पीक कर रहे हैं, आर्टिकुलेट कर रहे हैं, शब्दों को एक्चुअली क्लियरली बोल पा रहे हैं, स्पेल कर पा रहे हैं. और ये लोएस्ट सोशल क्लास है, मतलब पारा तो हाईएस्ट था, नीचे आके लोएस्ट हो गए आप, ठीक है. यस. सो ग्रामर जो फॉर्म होती है, ये वेलार्स, पैलेट, डेंटल, मंत्र, स्वर और वर्णन, मात्रा. ग्रामर में क्या आती है? मात्राएं, मात्राएं, ठीक है, स्वर एंड वर्णन. सो ये सब फिर ग्रामर यहाँ पे आने शुरू हो जाती है. अदर इंडिविजुअल कैन हियर वैखरी स्पीच अनलाइक पारपश्यंती एंड माध्यम. जो माध्यम तक स्पीच थी ना, वो सारे हमारे अंदर थी, बाहर तो निकली नहीं. अब मुख से जब निकलेगी वो क्या आएगी? वैखरी, ठीक है. तो इसलिए ये लोअर लेवल की हो गई, जो मुंह से निकल के आ रही है. अब लोग यहाँ पर वैखरी में नॉइजेस भी होती है और लोग झूठ भी बोलते हैं, ठीक है. तो इसलिए हम इसको 100% सही नहीं मान सकते. अंदर की बात दिल की बात सच्ची हो जाती है. अब यहाँ पर नॉइजेस भी आती है, बैरियर भी आते हैं, अदर बैरियर्स भी हो जाते हैं, इसलिए इसको लोअर लेवल माना है. चलो अभी हो गया हमारा, अब हम आते हैं अनुमान की तरफ. शब्द कंप्लीट हो गया पूरा. अनुमान इज सेकेंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज. अनुमान क्या है? मीडिएट. और जो वो था इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रत्यक्ष, इमीडिएट. इमीडिएट कैसे? फास्टली हम किसी चीज के बारे में एक ही सेंटेंस से रिजल्ट निकाल देते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट नॉलेज. लेकिन ये क्या है? इनडायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर निकल के आएगा. तो अनुमान मीडिएट है, मीडिएट होकर जा रहा है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष इमीडिएट था, डायरेक्ट था. अनुमान मीडिएट है, इनडायरेक्ट है सोर्स ऑफ नॉलेज. अनु शब्द का मतलब है आफ्टर, किसी चीज के बाद आना. मन का मतलब है नॉलेज, माना, मैंने इस चीज को माना, नॉलेज ली, ठीक है. इससे क्वेश्चन आया था. हाँ. सो हिल इज फायरी, इसको साइलेंट कर देते हैं, बचता रहेगा खामोश. हिल इज फायरी बिकॉज हिल इज स्मोकिंग. वेयर एवर देयर इज फायर देयर इज स्मोक. सो यहाँ पे गौतम जी ने बताया है, क्या बताया है? वो गौतम है न्याय के प्रोपाउंडर यहाँ पर, ठीक है, न्याय के प्रोपाउंडर गौतम है. गौतम बुद्ध नहीं, दूसरे वाले ऋषि मुनि जो है. नॉलेज विच इज प्रिसीडेड बाय परसेप्शन. ये न्याय के बारे में, ये अनुमान के बारे में समझाते हैं कि ये ऐसी नॉलेज है जिससे पहले परसेप्शन होगी, ऐसी, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन क्विज में आया था. अब इसको मैं क्या देखूं अनु, ये तो लिखा तुमने. गौतम, नॉलेज जो कि पहले परसेप्शन होती है उसके बाद हम अनुमान आता है, ये बताया हमें, ठीक है. ऐसा गलत हो रखा था, तो यार तुम लोग सही कर लो, ये सही पढ़ाया मैंने, ठीक है. हाँ, we must have at least three proposition. यहाँ पर कम से कम 3 प्रपोजिशन होनी चाहिए एंड टोटल स्टेटमेंट फिर 5 तक चली जाती है. पता नहीं क्या ही बोल रही है. आइडेंटिफाई अनुमान इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक इज नोन एज इन्फ्रेंस. तो क्या दिया इन्होंने? 1, 2, 4, 5, 3 में क्या है? डेविएशन ऑफ फैक्ट फ्रॉम सम रियल वेरीफाइड, डिराइवेशन फ्रॉम फैक्ट फ्रॉम रियल एंड वेरीफाइड कॉन्टेक्स्ट. रियल एंड वेरीफाइड कॉन्टेक्स्ट क्या होगा बताओ? जो डायरेक्टली हम रियल और वेरीफाइड 100% सही. अनइयरिंग किस में था मुझे बता दो, डेफिनेशन में. मतलब कि कभी वो गलत हो ही नहीं सकता. अनइयरिंग मतलब वेरीफाइड है, वो परसेप्शन में था, ठीक है. अब और किस में दिक्कत है? डिराइवेशन फ्रॉम अदर फैक्ट, यस, प्रायर नॉलेज से निकल के आ रहा है ना. वो भाग गया, छोटा हो गया. कॉग्निशन विच सप्रेस सम अदर कॉग्निशन, दूसरे को presupposes some other cognition. General conclusion drawn from information. सही तो है वो. जो information already given होती है उसके basis पर result निकालते हैं, ठीक है. Fourth तो होता है, सही तो है. Presupposes some other cognition. अरे वही कह रहा है कि perception some other है cognition, जो हमने directly knowledge ली थी,
इसके बेसिस पे प्रीसपोज कर, इसके बेसिस पे रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। हाँ जी, डायरेक्ट नॉलेज क्योंकि वो है अनु प्रत्यक्ष है, हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर थ्री प्रपोजिशन होते हैं मेनली, इसमें इंडियन लॉजिक जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है, जिसमें इंडक्शन और डिडक्शन दोनों का यूज किया जाता है, और मेनली वो इनफॉर्मल टाइप होता है ज्यादा। जो कि वेस्टर्न लॉजिक है वो फॉर्मल होता है मेनली, वेस्टर्न लॉजिक इज मेनली फॉर्मल, जबकि इंडियन लॉजिक फॉर्मल भी है मटीरियल लॉजिक भी, मतलब हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों को साथ लेके चल रहे हैं यहाँ पर, एंड मोर ऑफ इनफॉर्मल में आ जाते हैं, जिसमें हमें मीनिंग निकालना होता है, मटीरियल निकालना होता है, कंटेंट पे फोकस करना होता है। सो न्याय के देखो, ये जितनी भी चीजें अगर कोई फिलोसफी के अंदर घुसना जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि अनुमान शब्द इन सब के बारे में चार्वक की पूरी अलग थ्योरीज है, बुद्धिज्म जैनिज्म इनकी पूरी पूरी बुक अलग 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 हिसाब से बनाई जाती है, लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल न्याय होता है, इसलिए हमारा जो पेपर वन है इसके अंदर हम न्याय के हिसाब से करते हैं। और आपने देखा भी कि मैं ये सारे के पीछे क्वेश्चंस में भी न्याय न्याय हो रहा हुआ था, वो इसलिए क्योंकि न्याय के हिसाब से हम अनुमान इन्फ्रेंस वगैरह को देख रहे हैं। अदरवाइज किसी और पे जाओगे तो बुद्धिज्म ने अलग डेफिनेशन दी है हर चीज की, जैनिज्म अलग बोल रहे हैं, तो इसलिए बेस्ट एक्सेप्टेबल को हम पढ़ रहे हैं। फाइव प्रपोजिशन, चार्वक एंसेस्टर को बोलते हैं, एंसेस्टर तो हमारे सारे ही है ये, ठीक है, सारे ही एंसेस्टर है, पूर्वज ही है हमारे, हम तो है नहीं है। तो ये डिफरेंट थ्योरी जो दी है, न्याय ने दी है, चार्वक ने दी है, ये एक तरीके के वो है, पर्सन है, एंसेस्टर मतलब होता पूर्वज। अच्छा सुन लो, फाइव प्रपोजिशन हम कल कर चुके थे, अब इन प्रपोजिशन में जो मेंबर होते हैं उनका मतलब होता है अव्यय, मेंबर का मीनिंग, जैसे कि मिडल टर्म भी एक मेंबर है, माइनर टर्म, मेजर टर्म, ये सभी एक मेंबर है, हिल, स्मोक, फायर, तो ये सारे जो मेंबर्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, अव्यय। अभी मैं और कुछ नहीं करा रही, तो मुझे टॉपिक दो, मैं उसके हिसाब से पढ़ाती हूँ, ठीक है। हाँ आ जाओ, शुरू हो जाओ। हिट्रोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स, जो ऑर्थोडॉक्स है वो कौन हो गए, पुराने जमाने की थिंकिंग रखने वाले, ओल्ड, और जो इस हिट्रोडॉक्स है ये मॉडर्न टाइप के, ये नास्तिक थे, ये आस्तिक थे। अभी किसी का डाउट है तो बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाया जाए आपको। हाँ, रूढ़िवादी थे ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो जो टॉपिक चल रहा है उस पर नहीं ना ध्यान देना, जब इसकी बारी आएगी तब पढ़ा दूंगी मैं, न्याय पढ़ा रही हूं, नहीं वो नहीं पढ़ना, हमें दूसरे टॉपिक पढ़ा दो सारे। मेंबर का मतलब समझ आ गया, मेंबर को अव्ययी बोलते हैं, और बाकी इसका हो गया था ये। न्याय बिलीव करते हैं कि सिलोजिज्म टोटल फाइव टर्म्स मेंबर्स होते हैं सिलोजिज्म में, जबकि भट्ट भट्ट बिलीव करते हैं कि टोटल थ्री होते हैं, और मीमांसा सभी अलग अलग होते हैं ना यहाँ पर, इसलिए वो भी टोटल थ्री पार्ट्स होते हैं सिलोजिज्म में, इधर स्टार्ट विद एग्जाम्पल और एंड विद एग्जाम्पल, थ्री पार्ट होते हैं, या तो स्टार्ट हाँ कुमारिला भट्ट हो गए, मतलब अलग अलग फिलोसफर्स हैं, ठीक है। अब मैंने अगेन बोला कि अलग अलग फिलोसफर अलग अलग थिंकिंग रखते हैं, वो अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन जहां तक हम कर सकते हैं करेंगे, बाकियों को भी साथ में। न्याय ने टोटल फाइव मेंबर्स माने हैं, भट्ट ने थ्री, प्रोपोजिशन रीजन एंड इलस्ट्रेशन मतलब माइनर मेजर माइनर मिडल एंड मेजर टर्म, ठीक है। एंड देन मीमांसा ने बोला है कि थ्री होते हैं लेकिन या तो स्टार्ट रीजन से होगा या तो एंड रीजन से होगा, इनकी बात भी बिल्कुल अलग है, वहां रीजन बीच में आता है, ये स्टार्ट और एंड बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, अनुमान को देखो, अनुमान ही है ये, ठीक है। सो अनुमान ही पढ़ा रही हूँ भाई, ऑल दैट स्मोकी फायर इज फायरी, जो चीज स्मोकी होती है फायरी होती है, एज का मतलब जैसे कि, हिल इज एज किचन, जैसे किचन में था, द हिल इज स्मोकी देयरफॉर हिल इज फायरी, हिल भी स्मोकी इसलिए हिल फायरी हुआ। अब यहाँ पर मीमांसा के हिसाब से आप देख रहे हो कि रीजन से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा चेक कर लो, दूसरे वाले में हिल इज फायरी बिकॉज इज स्मोकी
ऑल द स्मोकी फायरी। अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल से स्टार्ट हो रहा है, एग्जाम्पल से, और इस वाले एग्जाम्पल में एग्जाम्पल से एंड हो रहा है। तो मीमांसा के हिसाब से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं सेंटेंस को या एग्जाम्पल पे एंड करते हैं, ये हो रहा है। ठीक है चलो अब हम देखते हैं ग्राउंड ऑफ इन्फ्रेंस। जो हमारे इन्फ्रेंस होते हैं, इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, अनुमान। अनुमान का एक नर्व होती है, ग्राउंड होता है या बेस होता है। बेस क्या है कि इसके अंदर व्याप्ति होना बड़ा जरूरी है। व्याप्ति का मतलब है किसी चीज का प्रेजेंट होना, ठीक है, किसी चीज की प्रेजेंस। यहाँ पर प्रेजेंस हम हमेशा किसी कराते हैं, मिडल टर्म की कराते हैं। व्याप्ति इज नर्व ऑफ इन्फ्रेंस, मतलब इसकी नर्व है ये, ठीक है। इन वेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस और व्याप्ति इज लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फ्रेंस। इन वेरिएबल का मतलब जो वेरी नहीं करता, अविभाजनीय, विच विल नॉट वेरी चेंज। कॉन्कॉमिटेंस, कॉन्कॉमिटेंस का मतलब कि अक्षिता तुम्हारे हाथों में ये नर्व्स होंगी, पूरी बॉडी में होगी, नर्व नहीं पता तुम्हें क्या करते हो तुम। कॉन्कॉमिटेंस का मतलब है कि साथ आने वाला, ठीक है, अविभाजनीय संबंध है, मतलब ऐसा संबंध है जो चेंज ही नहीं हो सकता, मतलब उसको अलग नहीं कर सकते उस चीज में से। किसके बीच में है, स्मोक एंड हिल के बीच में, स्मोक एंड फायर, सॉरी, जहां जहां स्मोक है वहां वहां फायर दिख रहा है, ऐसा वहां वहां फायर भी है। जैसे अभी शम्स ने एग्जांपल दिया कि मैम जो हमारा पेट्रोल वाली गाड़ी होती है वहां पे स्मोक निकल रहा है, लेकिन आग तो दिखाई नहीं दे रही, आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वहां पर कंबशन हो रहा है, यही बोलते ना बर्न हो रहा है, तो एक्चुअली वहां कंबशन हो रहा है, ठीक है। वो इसी तरीके से किया गया कि पोल्यूशन कम हो, अदरवाइज स्पार्किंग होती है अगर उसको ऐसे पुराने वाले उसमें देख करे तो, समझे, वो तो हमारी इन्वायरमेंटल एफर्ट्स है जिसकी वजह से हम उसको ट्रांसपेरेंट या विद फायर दिख नहीं रही, लेकिन एक्चुअली उसमें बर्न हो रहा है पेट्रोल, ठीक है। सो स्मोक इग्निशन क्या मतलब है, इग्निशन का यही तो मतलब है कि इग्निशन स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि वो पीछे पेट्रोल अब जलेगा, कंबर्शन होगा, वो फिर हमारी गाड़ी चलेगी। सो जहां जहां स्मोक है, स्मोक है वहां वहां फायर है, तो ये स्मोक है मिडल टर्म एंड फायर इज मेजर टर्म, ठीक है। ऐसा स्मोक इज परवेडिड, मतलब प्रेजेंट बाय फायर, जहां जहां स्मोक होगा वहां वहां आग होगी, ठीक है, और ये इसके साथ हमेशा अकम्पलिश करता है, हमेशा होता है, आता है। तो मिडल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच में अविभाजनीय संबंध है। हर जगह चेक कर लो, किचन में भी हम स्मोक है फायर है, फॉरेस्ट में स्मोक है फायर है, यहाँ पर भी स्मोक है तो फायर है, यही प्रूफ करने में लगे पड़े। लेकिन व्हाइल ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट आर फायरी, ये बात हमारी पक्की हो गई, लेकिन सारी फायरी स्मोकी नहीं होती, क्यों, जैसे रेड एंड बुल, वहां पे फायर है लेकिन स्मोक नहीं है, ठीक है। ऐसा अगरबत्ती में आग होती कि नहीं, आप उसे माचिस की तीली लगा के दिखाओ, जलेगी, होती है, ठीक है। व्याप्ति इज रीजन ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, और उसमें स्मोक भी होता है। व्याप्ति इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस है मिडल टर्म एंड मेजर टर्म के लिए। मिडल टर्म को हेतु बोलते हैं, मेजर टर्म को साध्या भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग नाम लेंगे, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत। पानी में लाग लग गई, अभी उसकी वो फालिसी आएगी। फिर इन्फ्रेंस क्या होता है बताओ, हाँ, रेड आयरन बॉल में आंसर गलत वो हो जाएगा, लेकिन उसमें वेर एवर वहां पर रीजन स्मोक नहीं है ना, हमारा सेंटेंस सही है। जहां जहां स्मोक होगा, रीजन स्मोक पर डाल रखा है, वहां वहां आग होगी, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते जहां जहां आग है वहां वहां स्मोक है, दिस इज रॉन्ग। इसलिए उसमें व्यापक सिद्ध आता है, व्याप्ति असिद्ध हो जाती है। देखो भाई, वेरी गुड, यहां से क्लियर हो गया। व्याप्ति बनानी है बिकॉज ऑफ स्मोक, आप व्याप्ति अगर बनाओगे बिकॉज ऑफ फायर, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अविभाजनीय संबंध, किसमें, मिडल टर्म एंड मेजर टर्म में, इनवेरिएबल, मिडल टर्म एंड माइनर में नहीं। सो अर्थपति तो हो गया था, आई थिंक, ओके।
अर्थपति हो गया था, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अर्थपति का मतलब है कि सर्कमस्टांसेस से हो गया, ये हमने कर लिया था, पूरा हो गया। अनुपलब्धि भी हो गया था, हाँ जी, और अभाव भी हो गया। अच्छा दोबारा आ गया क्या, व्याप्ति पे आते हैं वापस से। हाँ जी, वो समझ नहीं आया बाकियों को, पूरी क्लास को आ गया। अक्षिता बुध हो के आओ, चलो जल्दी से फेस वॉश करके आओ पानी से। व्याप्ति का मतलब है किसी चीज का प्रेजेंट होना, ठीक है। अब व्याप्ति ही क्या है, वहां पर क्या लिखा था, अविभाजनीय संबंध, मतलब कि इसमें दो चीजें आपस में पक्का 100% रिलेटेड है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। जहां जहां स्मोक है वहां वहां फायर होगी, ये लिखा था उसमें। व्याप्ति का मतलब है स्टेट ऑफ परवेजन, परवेड, किसी चीज का होना। इसका मतलब होता है कोरिलेशन बिटवीन टू फैक्ट्स, दो फैक्ट के बीच में कोरिलेशन है। विच वन इज परवेडेड, मुझे बताओ परवेडेड किसमें बोला था हमने, कल सीखा था ना, परवेडेड माइनर टर्म में, परवेड्स मेजर टर्म में, और परवेड मिडल टर्म में। इस चीज को ध्यान रखो, सीखा था तो भूलते क्यों हो तुम, गलत क्यों नहीं रहे ध्यान से। हाँ जी, सो व्याप्या कौन सा था, माइनर टर्म में स्मोक का होना, इस परवेडेड उसमें ऑलरेडी है। कैसे, हमारे एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि हिल पे स्मोक ऑलरेडी है, परवेडेड अदर परवेड्स, और उससे निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, ये ऑलरेडी है कि ड्यू टू इस स्मोक, ड्यू टू स्मोक देयर इज फायर, ये परवेड्स, ठीक है, और दोनों में स्मोक कॉमन है, परवेड। सो इनफैक्ट परवेडेड बाय अनदर व्हेन इट इज अकंपनीड बाय अदर, ठीक है। तो मतलब ये परवेडेड होता है किसी और के ऊपर जब ये इसके साथ कुछ हो रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ टर्म्स रिलेटेड टू व्याप्ति, यस, दीज आर प्रेजेंस ऑफ स्मोक ओनली, बट इफ वी आर सेइंग प्रेजेंस ऑफ स्मोक ऑन माइनर टर्म देन इट इज परवेडेड, ऑलरेडी परवेडेड। इफ वी वॉन्ट टू कन्फर इट, वी वॉन्ट टू फाइंड इट, देन इट इज परवेड्स, ठीक है। इट इज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, जो परवेड हो चुका है, जो आएगा, जो निकालना है, और परवेड मीन्स ये प्रेजेंट है। सो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर में फायर दिखा रही ना कि हाँ यहाँ पर जरूर फायर होगी ऐसा। सो इनफैक्ट इसको कह सकते हैं परवेडेड बाय अदर, परवेडेड बाय अदर स्मोक उसमें ऑलरेडी था, व्हेन इट अकंपनीड बाय अदर, और फिर इसके साथ और क्या आता है, अकंपनी, कंपनी किसकी होती है, फायर की। तो जहां स्मोक है वहां पे फायर की कंपनी आएगी, अकंपनीड बाय अदर। स्मोक इज परवेडेड बाय फायर सिंस ऑलवेज अकंपनीड बाय फायर, हमेशा उसके साथ आएगा। बट व्हाइल ऑल स्मोकी ऑब्जेक्ट आर फायरी, फिर वही बात बोल रही हूं मैं, आप ये बोल सकते हो ऑल स्मोकी आर फायरी पक्का 100%, बट ऑल फायरी आर नॉट स्मोकी बिकॉज ऑफ रेड आयरन बॉल, ठीक है। तो वहां पर व्याप्य असिद्ध हो जाएगा, व्याप्ति असिद्ध फालिसी हो जाएगी अगर आप गलत बोलोगे, बिकॉज में फायर लगाओगे तो, ठीक है। नाउ अब ये कुछ टर्म्स है उसको देखेंगे। हाँ, मिडल टर्म स्मोक है। प्रपोजिशन के अंदर जो मेंबर होते हैं उसको अव्यय बोलते हैं, ठीक है, अव्यय, अव्यय। प्रतिजिन इज हाइपोथेसिस, प्रपोजिशन जिसको हमें प्रूव करना है, टू बी प्रूव, हेतु रीजन है। उदाहरण एग्जाम्पल है उपनाया, एप्लीकेशन, रीअफर्मेशन, दोबारा से कंफर्म करना, निगमन, डिडक्शन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस। मिडल टर्म हेतु, माइनर टर्म पक्का पक्ष, परवेडिड व्याप्या माइनर टर्म के ऊपर उसकी प्रेजेंस होना, परवेड्स व्यापका मेजर टर्म के ऊपर उसकी प्रेजेंस होना, ड्यू टू विच मेजर टर्म प्रेजेंट। मिडल टर्म इज लिंगा लिंगी, और मिडल टर्म की प्रेजेंस होना इज व्याप्ति, आगे समझ। स्मृति, स्मृति इज जो हम याद करते हैं, जो रिमेम्बर करते हैं, कल की क्लास की कुछ बातें आज आपको याद आ रही है, वो क्या हो गई, स्मृति आ रही है। व्हाट इज श्रुति, श्रुति इज डायरेक्ट नॉलेज, अभी मैं वहां पढ़ रहा हूँ, अभी मैं ये देख रहा हूँ, दैट इज श्रुति,
अभी आपको मेरे हाथ में कप दिखाई दे रहा है, दैट इज श्रुति, ठीक है। स्मृति मीन्स कि कोई पर्सन दूसरी चीजों को, स्मृति मीन्स जो चीज हमने पढ़ी हुई है, जो समझा हुआ है उसको आगे आगे सुनाना, वेरी गुड। और श्रुति मीन्स डायरेक्टली हम किसके द्वारा, नारद मुनि के द्वारा सुन रहे हैं। मतलब अगर वेदों में देखें तो वेदों में इस तरीके से इसको कहा गया था, जब डायरेक्टली नारद जी ने या इंद्र ने कोई चीजें समझाई है, सिखाई है, बोली है, वो क्या हो गई, श्रुति। अब उनसे सीख के आगे लोग समझा रहे हैं एक दूसरे को, वो स्मृति, ठीक है। सो गंगाधर झा जी ने ये डेफिनेशंस बताई है लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में से किया है। हाँ कर सकते हो, बस सर्टिफिकेट आपका बन जाना चाहिए जब आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे उससे पहले। गंगानाथ झा 1896 में कहते हैं, परसेप्शन इज डेफिनाइट सेंस और कॉग्निशन। परसेप्शन डायरेक्ट होती है ना नॉलेज, ठीक है, जो सेंसेस से आती है। इन्फ्रेंस इज थ्री फोल्ड, मतलब इसके तीन पहलू है, मिडल माइनर मेजर को मिला मिला के आती है, ठीक है। परवेडिड से परवेड, फिर परवेड ऐसा होता है ना, व्याप्ति आती है इसके अंदर। लिंगी व्यापका, लिंगी कौन है, लिंगी मेजर टर्म है, व्यापका गामिया साध्या इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। अभी अपलोड नहीं करने की जरूरत। और इन विच करेक्टरिस्टिक्स इनहेर, माइनर टर्म प्रीमाइसिस में आती है, और जो माइनर टर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो वैसे मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, ठीक है। पक्षा पक्का सब्जेक्ट एसर्शन हिल, ये सब बोलते हैं, लिंगी मेजर लिंगा मिडल, यस। ये चार्ट से हो जाएगा, यही चार्ट मैंने ना गंगाधर झा जी की जो डेफिनेशन है इसी से बनाया है, ठीक है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये डेफिनेशन क्लियर किसने करी है, कि इसको ये सब कुछ बोलते हैं। गंगानाथ, सॉरी गंगानाथ, शक्तिमान वाला गंगाधर याद आ रहा था, तो गंगानाथ झा। सो फर्स्ट टर्म क्या है, वी परसीव प्रेजेंस ऑफ स्मोक अगेन, मतलब पूरी लॉजिक में यही बार बार रिपीट करना है हमने। हम परसीव करते हैं प्रेजेंस स्मोक का, विच इज मार्क, मार्क साइन, मिडल टर्म, मिडल टर्म को मार्क और साइन भी बोलते हैं, मिडल टर्म हेतु। द प्रेजेंस ऑफ मिडल टर्म इन माइनर टर्म इज पक्ष धर्माता, मतलब कि द प्रेजेंस ऑफ मिडल टर्म, मिडल टर्म मेजर टर्म के ऊपर है, तो मतलब पक्ष के अंदर धर्म है, पक्ष के अंदर है, पक्ष धर्माता, ठीक है। सेकेंडली वी रिकलेक्ट इनवेरिएबल रिलेशन, हम दोबारा से इनवेरिएबल रिलेशन को रिकलेक्ट करते हैं मिडल टर्म के बारे में। मध्य, मिडल टर्म को मध्य भी कह सकते हैं, मिडल मध्य। मेजर टर्म साध्य, मिडल टर्म एंड मेजर टर्म के बीच में इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, व्याप्ति। तो बहुत सारे जगह पे हम चेक करते हैं कि जिधर जिधर स्मोक है वहां फायर है, स्मोक है फायर है, स्मोक है फायर है, यस। सो देयर इज इनवेरिएबल रिलेशनशिप। Now, अब हमें समझ में आया स्मोक तो हिल पे भी है, रिकन्फर्म कर रहे हो, तो इससे निगमन कंक्लूजन इन्फ्रेंस निकालेंगे, तो यस फायर इज, देयर इज फायर ऑन द हिल, देयर कैन नॉट बी स्मोक इन एब्सेंस ऑफ फायर, बिकॉज ऑल यूनिवर्सल रिलेशनशिप बिटवीन फायर एंड स्मोक, एग्जिस्टेंस ऑफ फायर नेसेसरी टू बी एडमिटेड इन एवरी केस ऑफ स्मोक। EWS सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट सेम नहीं होता है जी, ठीक है, इसको अलग से बनाना पड़ता है। पहले इनकम सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट बनता है, और क्योंकि उसके साथ आपके घर का मेजरमेंट और फैमिली की सबकी इनकम भी चेक की जाती है। इनकम सर्टिफिकेट में सिर्फ आपकी फैमिली, लेकिन उसमें फिर पापा मम्मी दादा दादी ये पूरा फैमिली आता है EWS में, समझे, तो वो बंद बनता है। पक्ष धर्माता क्या होता है बताओ, पक्ष में हेतु का होना, माइनर टर्म में मिडल टर्म का होना पक्ष धर्माता, मेजर टर्म मिडल टर्म में क्या डिफरेंस है, मनोज बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है, कल की क्लास क्यों नहीं ली तुमने, हिल माइनर टर्म है, मिडल टर्म स्मोक है और मेजर टर्म फायर है, ठीक है। हाँ 8 लाख से कम होगी तो वो EWS में बनेगा, यस, अब 8 लाख कर दिया, पहले तो बहुत कम था, अब नॉर्मल कर दिया थोड़ा। सो न्यायशिका डिस्टिंग्विश बिटवीन
प्रमाण वाक्य, वैलिड सेंटेंस। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड होता है प्रमाण, प्रमाण मतलब ट्रू नॉलेज, वैलिड वाक्य मीन्स सेंटेंस। तो वैलिड सेंटेंस के बारे में बताते हैं न्याय, एंड अप्रमाण वाक्य इनवैलिड सेंटेंस के बारे में बताते हैं। यस, इनवैलिड सेंटेंस के बारे में बताते हैं। वैलिड सेंटेंस ऐसा होगा जो ग्रामेटिकली एंड सिमेंटिकली उसको समझ के मीनिंग निकालेंगे, क्योंकि इंडियन लॉजिक है, मीनिंग निकालेंगे हम, एक्सेप्टेबल होगा, मीनिंग निकालने में भी सही होगा। वाइल इनवैलिड आपका अनग्रामिक ग्रामेटिकल और नॉन सिमेंटिक, मतलब जिसका मीनिंग सही नहीं निकल रहा होगा वो होगा। सिंपल चीज है ना, इनवैलिड कौन होगा, मीनिंग निकाल के देखेंगे। यहाँ पर वहां पे मीनिंग निकाल रहे थे कैट और रैट बोले जा रहे थे वेस्टर्न लॉजिक में, वो ओनली ग्रामेटिकली या रूल वाइज करेक्ट था, सिमेंटिकली सही नहीं था वो। लेकिन इंडियन लॉजिक में हम मीनिंग भी निकालते हैं। दे एक्सक्लूड अप्रमाण वाक्य फ्रॉम थ्योरी ऑफ द नॉलेज लैंग्वेज, यहां से हमें एक्सक्लूड कर देना चाहिए इनवैलिड को। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजिबल सेंटेंस, जब हमें कोई भी सेंटेंस बनाना है तो उसके ये स्टेप्स होने चाहिए। पैराग्राफ बनाना है, सेंटेंस बनाना है, मैंने ये सेंटेंस बनाया, किस बेसिस पे पता करोगे ये सही सेंटेंस है, उसकी ग्रामेटिकल एंड सिमेंटिक नॉलेज सही होनी चाहिए। तो इसमें सिक्वेंस होता है आई, ठीक है, आकांक्षा का मतलब है हमारे अंदर आकांक्षा आती है सबसे पहले, तो एक पैराग्राफ लिखना है ना, तो उसके लिए एक्सपेक्टेंसी आती है कि मुझे इसमें लिखना क्या है। आकांक्षा इज एक्सपेक्टेंसी क्वालिटी ऑफ वर्ड कंस्टिट्यूइंग द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस मेरे को डालने हैं उसकी क्वालिटी सही होनी चाहिए। जो मुझे एक्सपेक्टेशन आ रही है कि एक मेरे को पैराग्राफ लिखना है, मान लो ऐसे लिखना है, तो उसका सेंटेंस, उसका रेलेवेंट वर्ड्स सेंटेंस ढूंढूंगी ना मैं उसमें डालने के लिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्ड बढ़िया होने चाहिए, ऐसा होगा, ये भी ढूंढ लेना आगे पीछे कहीं तो होगा। कंप्लीट मीनिंग कैन नॉट बी कन्वेड बाय सिंगल वर्ड इटसेल्फ, कोई कंप्लीट मतलब सिंगल वर्ड नहीं बताता, सिर्फ कंप्लीट होता है जब पूरा सेंटेंस का क्वालिटी यूज किया गया हो, तो फुल जजमेंट वर्ड मस्ट बी ब्रॉट इन टू द रिलेशन। फिर अब आपने अगर एक्सपेक्ट सही किया, वर्ड सही चुने, पैराग्राफ लिखने से पहले वर्ड सही चुनते, फिर उसकी योग्यता चेक करेंगे कि वो कितना ज्यादा कॉम्पिटेंट है। सो व्हेन वर्ड इज हर्ड एक्सपेक्टेंसी अराइज इन माइंड, उसके उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेंसी हमारे दिमाग में आती है, तो नेक्स्ट काम होता है कि वो हमें समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई वर्ड सुनते हैं ब्रिंग, द हियरर एक्सपेक्ट नेक्स्ट वर्ड कि कुछ तो लेकर आने के बोल रहा होगा, मैंने बोला ब्रिंग लेकर आओ, तो क्या लेके आओ, लेकर आओ कोट, लेके आओ कप, लेके आओ चाय, तो उसका एक्सपेक्टेशन होता है ना आगे जाकर। जब भी हम एक शब्द सुनते हैं तो उसके आगे की, इसके आगे ये होना चाहिए, इसके आगे ये होना चाहिए। अब वो जो लेकर आ रहे हो आप साथ में, अच्छा अभी हम एक्सपेक्टेशन पे ही है, अभी योग्यता पे आएंगे इस वाले में, ठीक है। सो आनम भट्ट ने बोला है कि आकांक्षा होती है, इसका मतलब कि आकांक्षा होती है, जैसे हम जब पैराग्राफ लिखने बैठते हैं फ्रेंड्स, उसके आगे हमारे दिमाग में चला होता है ना, इसके बाद मैं ये लिखूंगा, इसके बाद मैं ये लिखूंगा, मतलब अभी आकांक्षा पे हम काम कर रहे हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशंस आती है उसमें क्या क्या लिखना चाहिए। इनकम्प्लीटनेस ऑफ वाक्य, आकांक्षा इज इनकम्प्लीटनेस ऑफ वाक्य, तभी तो हम उससे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें और भी लिखना होना चाहिए, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं इससे, इन रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग विदाउट विच फेल टू एक्सप्रेस मीनिंग, अदरवाइज हम अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। आनंद भट्ट हमारे सिलेबस में है, पेपर टू में, अच्छा ठीक है। देन योग्यता, योग्यता एक कंसेप्ट है जो कि आकांक्षा के साथ ही आएगा, उसके बाद क्या कहता है, सेंटेंस वैलिड सेंटेंस होने के लिए, वैलिड का मतलब प्रतनन, जिसका प्रतन प्रतन कर रहे हैं, योग्यता चेक कर रहे हैं वाक्य, ड्यू टू एक्सपेक्टेंसी इफ लैक इन योग्यता, अगर उसकी कॉम्पिटेंसी नहीं होगी तो फिर ये अप्रमाण वाक्य बन जाएगा भाई, नो अप्रमाण वाक्य नहीं बनाना हमने, हमने उसकी योग्यता चेक करनी है। इसलिए देखना है कि उसका जो अर्थ है वो सही निकले और ग्रामेटिकल कनेक्शन भी बने, ठीक है। सो यहाँ पे योग्यता कैसे चेक करेंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट हो। सो अकॉर्डिंग टू अनम भट्ट योग्यता इज कनेक्टेड मोर सिमेंटिकली, मीनिंग सही निकाला है अगला बंदा, ये थोड़ी हमारे ख्यालों में जो चल रहा है वो एक्चुअली दूसरा बंदे को भी समझ आना चाहिए, तो उसमें ग्रामर सही होनी चाहिए, उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए, समझे, उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आनी चाहिए, अबाधा, वाक्य का सही अर्थ निकले,
अर्थ वधो योग्यता मीनिंग निकले सिमेंटिक हो। ओल्ड स्कूल न्याय कहते थे योग्यता सिर्फ इज ओनली अभाव ऑफ कॉग्निशन इंस्ट्रूमेंट्स, जबकि यहां पे कहते हैं योग्यता म्यूचुअल फिटनेस है, सेंटेंस एक दूसरे से ढंग से लिंक करे। मॉइस्चर विद फायर डज नॉट पोसेस म्यूचुअल फिटनेस, फिट होता है एक दूसरे के साथ, मॉइस्चर आग में सूख जाता है उसमें तो मॉइस्चर, ठीक है। सो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन सेंटेंस में नहीं देखे आने ऐसा। थर्ड उठा लेते हैं सीधा, कंडीशन ऑफ वैलिड सेंटेंसेस वर्बल नॉलेज स्निधि अस्ति। आयस्त में क्या आ रहा है नेक्स्ट, स्निधि आ रही है, स्निधि मीन्स प्रॉक्सिमिटी, अवेलेबल नहीं है। हाँ उसका स्टॉक खत्म हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का भी थोड़ा सा बचा है, उसका भी हो जाएगा खत्म। सो थर्ड कंडीशन वैलिड सेंटेंस की है कि वर्बल नॉलेज, चेन ऑफ वर्ड्स, वेरी गुड, स्निधि होनी चाहिए, अस्थि होनी चाहिए, यहाँ पर चेन बननी चाहिए, लिंक बनना चाहिए एक दूसरे के साथ। सो वर्ड विच कंस्टिट्यूट सेंटेंस मस्ट कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूसली चलना चाहिए, हाँ जी गुड। लॉन्ग इंटरवल नहीं होनी चाहिए, जैसे आपने एक बात कही कहीं पहले, दूसरी बात कही दो पैराग्राफ के बाद, तो भाई क्या चेन है इसके अंदर, दो पैराग्राफ में डाला क्या फिर आपने, तो थोड़ा सिक्वेंस अच्छा सा होना चाहिए ऐसा। फॉर एग्जाम्पल वर्ड bring a cow will not produce any sentence if three words are uttered three days. कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं चलता कि कोई बात कभी गई, वही कह रहे ना कभी एक पेज पर लिखा कोई आखिरी पेज पर लिखा है वो पीछे, तो यहाँ पर bring एक दिन बोल रहे हो, अ एक दिन बोल रहे हो, cow एक दिन बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलता, हमें एक चेन बना के चलना चाहिए, ठीक है ऐसा। आगे समझ नेक्स्ट इज उसका रिजल्ट निकलेगा तात्पर्य, जो स्पीकर की इंटेंशन होती है, जो मैं कहना चाहती हूँ, अब वो पूरा पैराग्राफ सही से कह पाएगा क्योंकि अब पूरा फुल होके ना तात्पर्य निकल के आएगा, तो वैलिड नॉलेज अब मिलेगी, इट स्टैंड फॉर मीनिंग इंटेंडेड टू बी कन्वेड, जो मैं कहना चाहती थी लास्ट में चेक करेंगे कि क्या वो पैराग्राफ वही कह रहा है कुछ और बोल रहा है, ठीक है, तो तात्पर्य निकल के आ जाएगा। इसको इनके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर होता है इनकी लैंग्वेज, वाक्य तुर चातु तत्पर्यम परिकृतनम, प्रकृत परिकृतितम, ठीक है। सो इसका मतलब इट इज डिजायर ऑफ द स्पीकर, बहुत अच्छा शब्द है ये भाई, हाँ। और तात्पर्य का मतलब होता है तत् प्रतीतचा युचारितत्वम, बोल दिया भाई मैंने, अब तुम्हें कौन सा लिख के आनी है, तुम्हें सुन टिक्की तो मारनी है, ठीक है, मैं रिपीट करूं, तुम खुद बोल लो कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ठीक है। व्याप्ति प्रेजेंट होना किसी चीज का, सो व्याप्ति किसके बीच में होती है, हेतु एंड साध्य के बीच में। वो याद है। सो यहाँ पर एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट व्याप्ति के बीच में, वो है समय व्याप्ति और असमय व्याप्ति, ठीक है ऐसा। देखो अब अगर पेपर आने वाले हैं तो हम उसको और प्रिंट कैसे करवाएं, अपना स्टॉक ब्लॉक थोड़ी ना करवाना है, हमें तो फायदा होता है पेपर से पहले पहले सारा स्टॉक बिक जाए तो काम खत्म। अब जिसने लेना है अपनी इच्छा अनुसार नहीं ले, जिसने नहीं लेना सो सो के क्या लेते हो फिर, ठीक है जी। सो बच्चों को अब पढ़ने का टाइम मिलेगा जिनके पास ऑलरेडी है। अब देखो व्याप्ति आर ऑफ टू टाइप, वो टाइप क्या है, चार पॉइंट कंक्लूड कर दो, कंक्लूड हो तो गए। सबसे पहले आइस्त, आइस्त में क्या आ रहा था, हमारे अंदर आकांक्षा आ रही है और वो सेंटेंस वैलिड होना चाहिए, इसलिए उसका ग्रामेटिकली सही होना चाहिए, स्निधि मतलब चेन बननी चाहिए, और उसका जो मैं चाहती थी स्टार्टिंग में वो इंटेंशन निकल के बाहर आ जाए, ठीक है, तात्पर्य हो जाए। अब ये वर्ड खुद देख लेना बाद में। व्याप्ति दो तरीके की होती है, एक होती है समय व्याप्ति, एक होती है असमय व्याप्ति। समय व्याप्ति जो इधर से इधर, इधर से इधर जाएंगी, ठीक है ऐसा। बहुत ज्यादा ही प्रिंट कराई थी वो, सारी बिक गई, क्वेश्चन बन भी थोड़ी सी बची है बस। असमय व्याप्ति क्या होता है कि इधर से इधर तो जा रहा है लेकिन वापिस न आने का रास्ता नहीं है, ठीक है। समय व्याप्ति मीन्स कि अगर ऐसी व्याप्ति, हाँ एग्जाम्पल के लिए आइस एंड
water because of heat ice become water because of chilled water become ice. दोनों इधर से उधर जा रहे कि नहीं जा रहे, जा रहे हैं. लेकिन असमय व्याप्ति इज एग्जाम्पल ऑफ की एग्जाम्पल ऑफ असमय व्याप्ति स्मोक एंड फायर. हाउ? अगर स्मोक है तो जरूर फायर होगा, बिकॉज ऑफ स्मोक देयर इज फायर. लेकिन अगर आप ये कहने लगोगे बिकॉज ऑफ फायर देयर इज स्मोक, दैट विल बी रॉन्ग बिकॉज ऑफ रेड आयरन बॉल. तो वहां पर असमय व्याप्ति है, ठीक है. सो फायर इज प्रेजेंट वेयर एवर देयर इज स्मोक, बट रिवर्स इज नॉट करेक्ट. असमय व्याप्ति, आगे समझ. बचपन से बड़े हो गए, बड़े से छोटे नहीं होते. मेरे से कर्ड वाला एग्जाम्पल इज असमय व्याप्ति. हो गया? हाँ. न्याय मेंटेन दैट देयर आर फाइव वेज मेथड फॉर एस्टेब्लिश ऑफ व्याप्ति. पुष्पा में भी स्मोक नहीं था, स्टील वो फायर था. कौन पुष्पा में कौन सा वाला? कहा नहीं था स्मोक उसमें, मतलब मूवी में समझ गई ठीक है, लेकिन कहा नहीं था, कौन से सीन में नहीं था पता नहीं. तुम्हें पता चल गया वाक्य को? अच्छा डायलॉग बोल रहा था क्या वो? पुष्पा राज में स्मोक नहीं था, पता नहीं. शायद मैंने मूवी आधी अधूरी देखी है इसलिए मुझे नहीं पता. क्योंकि मेरे पास टाइम ही होता है, मैं आधी आधी थोड़ी थोड़ी करके देखी है. अच्छा फायर को पकड़ते हैं, फ्लावर नहीं फायर है अपन. अच्छा अच्छा वो बोलता है ठीक है, मैंने टुकड़ों में देखी है. स्टार्टिंग के बाद बहुत अच्छे से देखा, फिर क्लास का टाइम हो गया था, फिर बीच बीच में जाके देखा था. अन्वय अग्रीमेंट इन प्रेजेंस. फ्लावर समझे क्या? फायर में है वो. डायलॉग है वो तो. ओके ठीक है बढ़िया. अब इधर ध्यान देते हैं. फाइव वेज और मेथड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्याप्ति. व्याप्ति बनाने के पांच मेथड हैं, ठीक है. क्या मेथड है सुन लो. अनव्यय अग्रीमेंट इन प्रेजेंस. ये जो अनव्यय होता है, या क्वेश्चन में आया था अनव्यय व्यय तरीकी. अनव्यय अनव्यय तरीकी है ये. अनव्यय तरीकी का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव. पॉजिटिव वाले सेंटेंस में प्रेजेंट होना चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है. व्यय तरीका, व्याय मतलब कमियां निकालना. नेगेटिव वाले में एब्सेंट होना चाहिए ऐसा, ठीक है. नेगेटिव वाले में एब्सेंट होना चाहिए. अगर तो वहां पर व्याय तरीका वर्ड आएगा. यहाँ पर अग्रीमेंट इन एब्सेंस मतलब एब्सेंस में एब्सेंट हो. अग्रीमेंट इन प्रेजेंस, प्रेजेंस में प्रेजेंट हो ऐसा. व्याय विचारधारा या व्याय विचारा क्या मतलब क्या होता है इसको समझते हैं. क्या होना है एब्सेंट? क्या कर रहे हैं यार हम एब्सेंट और प्रेजेंट? किसको करा रहे हैं इतने दिनों से? किसको एब्सेंट प्रेजेंट करा रहे हैं हम बताओ? स्मोक को. समझे? व्याप्ति बनाते हैं स्मोक को है. वो तो आज तक क्यों नहीं समझ में आ रही? अच्छा जी इधर मूवी पूरी देखी है, टॉपिक इसको एक बारी में समझ नहीं आता. मुंह नहीं धोके बैठती हमें. व्यय विचारधारा, ये धारा वर्ड भी बोल सकते हैं इसको, व्यय विचारा वर्ड भी बोल सकते हैं. तो इसका क्या मतलब है? वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी कॉन्ट्रेरी इंस्टेंस. हम कोई भी दूसरा कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे. वन ऑफ देम इज प्रेजेंट एंड अदर इज एब्सेंट. जहां पर कोई एक चीज प्रेजेंट हो और दूसरी एब्सेंट हो. दे मस्ट रिलेटेड टू ईच अदर. ये एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए. अच्छी बात है. तो इधर ध्यान दो. आपा एक मिनट. उपाधि निराशा. उपाधि निराशा का शब्द का मतलब क्या है? इधर हम क्या कर रहे हैं? व्याप्ति को प्रेजेंट कराने के फाइव वेज है वो सीख रहे हैं. समझ आ रही है सबको? तो इसके अंदर व्यय विचारधारा के अंदर जो भी कॉन्ट्रेरी होगा, जहां पे एक चीज प्रेजेंट होगी दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो पहली वाली नहीं होगी, तो ऐसी चीजों को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. लेकिन ऐसी चीजों को कंसिडर करने से अवॉइड कैसे कर सकते हैं वो पढ़ो. उपाधि निराशा, एलिमिनेशन ऑफ कंडीशन. कंडीशन लगा दी हमने. कंडीशन क्या है? व्याप्ति इज अनकंडीशनल रिलेशनशिप बिटवीन यूनिवर्सल एंड नेसेसरी. लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन क्या लगा रहे हैं? जैसा आपने मुझे बोला पेट्रोल,
फ्यूल से जो जल रहा है, वहां पे आयर फायर होगी, दिख नहीं रही बस आपको क्लियरली क्योंकि वैसे चिंगारी निकलती है, ठीक है, यस, दिख नहीं रही। चलो हम अपना नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। स्मोक की वजह से फायर है हिल के ऊपर, तो हम ये बताएंगे स्मोक की वजह से फायर है और कंडीशन लगा दी, एक कंडीशन को एलिमिनेट करने के लिए कि यहाँ पर हमारी बेइज्जती ना हो जाए, एक दूसरी कंडीशन लगा दी, दैट कंडीशन इज वेट फ्यूल, क्योंकि ये फ्यूल गीली है, जस्ट लाइक पेट्रोल, गीली फ्यूल है वो, इसलिए वहां पर धुआं निकलेगा। धुआं क्यों निकल रहा है? पेट्रोल भी गीला है, वहां स्मोक के ऊपर को निकला क्योंकि वहां पर भी वेट फ्यूल है, समझे? हाँ, सो माइनर टर्म इज स्मोकी बट नॉट सो रिलेटेड टू मेजर टर्म फायर, यहाँ पर वेट फ्यूल लगा है। और जो दूसरा, अगर हम बिकॉज में डालेंगे फायर को रेड आयरन बॉल में, उसकी ड्राई फ्यूल है, समझे, इसलिए वहां स्मोक नहीं दिखा रहा है। तो हम जब जाएंगे ना जज के पास आर्ग्यूमेंट को प्रूफ करने, तो हम बोलेंगे, हमारा आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उससे कि हमारे वाले में वेट है फ्यूल, उसके में ड्राई है, इसलिए नहीं दिख रहा वहां पे स्मोक, समझे। एलिमिनेशन ऑफ सस्पेक्टेड कंडीशन इज नॉट इजी टास्क, इसको एलिमिनेट करना आसान नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, कोर्ट क्या कहती है, जिसके पास ज्यादा एविडेंस उसके हक में जजमेंट दे देंगे, यही बोलती है, एविडेंस क्यों माना जाता है कोर्ट में। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एलिमिनेशन ऑफ कंडीशन के साथ साथ उसकी व्योधारणा करनी पड़ेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्योधारणा? व्यो मीन्स मैनी टाइम, दारुणा मीन्स मैनी टाइम ऑब्जर्वेशन कर करके प्रूफ करना पड़ेगा, देखो किचन, देखो फॉरेस्ट, देखो ये वो, तीन चार पांच, जितनी एविडेंस हो सकते उतनी एविडेंस लेकर आओ, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन कराओ, एवरी टाइम देयर इज कनेक्शन, वेट फ्यूल स्मोक फायर, वेट फ्यूल स्मोक फायर। अब आपका एविडेंस और स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, यस। तो व्यय विचारा में दोबारा सुन लो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेरी को बीच में लाना नहीं, आ गया तो अपने आपको बचाने का तरीका है अपने पास, क्या कि एलिमिनेशन ऑफ कंडीशन उपाधि निराशा, एलिमिनेशन ऑफ कंडीशन के लिए अपनी एक कंडीशन बता दो, इसमें वेट है उसमें ड्राई है, अब इस पे भी वो मानते नहीं तो व्योधारणा करा दो, मैनी ऑब्जर्वेशन दिखा दो, देखो एविडेंस, ठीक है, हो गया। अब अगला इस और कौन सा तरीका है प्रेजेंट करने का, व्याप्ति, तर्क, तर्क कौन देता है, तर्क मीन्स हाइपोथेटिकल रीजनिंग, तर्क देना सामने आके, रेशियोसाइनेशन इसका इंग्लिश है वर्ड, मेंटल रेशियोसाइनेशन, किसने बोला था, बी एन सिंह जी ने बोला था। सो उन्होंने बोला है कि तर्क देना, जैसे कोई बहस कर रहे होते ना दो लोग, तो एक बंदा क्या होता है उसको तर्क दे रहा होता है, ये रीजन है, वो रीजन है, ऐसे है, इस बेसिस पे ऐसा जा रहा है, तो उसको लॉजिकली डिराइव करने की कोशिश कर रहा होता है तर्क से, उसको बोलते हैं तर्क, रेशियोसाइनेशन, रेशियो एड एब्सर्डम इन वेस्टर्न लॉजिक इसको बोला जाता है। क्वेश्चन करवाइए, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अगर क्वेश्चन तुम्हें करा दूंगी तो मेरी थ्योरी नहीं आएगी, कैसे कर लोगे बताओ। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष में क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, ये हम कहां पढ़ चुके थे, परसेप्शन वाले टर्म के अंदर, भाई हम लोग नॉर्मल परसेप्शंस को पर्टिकुलर से ऑब्जर्वेशन कर करके यूनिवर्सल कर देते हैं, ठीक है, उससे भी सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष करके भी व्याप्ति प्रेजेंट की जा सकती है, कैसे, बहुत सारे एग्जाम्पल दोगे, डिफरेंट 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 ऑब्जर्वेशन से हम यूनिवर्सली करा देंगे, हर बार ऐसा होगा, एवरी टाइम दिस हैपन, तो यहाँ पे भी सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष निकल के आ गया, पर्टिकुलर टू जनरल यूनिवर्सल, ठीक है, ऐसा, आई होप दिस इज क्लियर। तो आपकी थिंकिंग रट्टे मारने वाली ना, समझने वाली नहीं है, इंडियन थिंकिंग लेके आओ, वेस्टर्न थिंकिंग घुसा रखी अपने अंदर, इंडियन लॉजिक, दिमाग इंडियन मीनिंग निकालना जानता है, समझे, इसको एज अ स्टोरी सुनो, किसने क्या कहा, किसमें क्या हो रहा है, इसको समझो, और भी बच्चों को समझ में आ रहा है, रिपीट ही तो कर रहे हैं हम। तो यहां सबसे पहले हमने क्या किया था कि पॉजिटिव में प्रेजेंट होना चाहिए अनव्याय, स्पेलिंग का कोई मैंने ठेका नहीं लिया इसमें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, और नेगेटिव में एब्सेंट होना चाहिए व्याय तरीकी, ठीक है,
और फिर क्या था वो व्यय विचारा, व्यय विचारा के लिए हमने क्या किया था, दो काम किए थे, एक तो एलिमिनेट कंडीशन की थी, कंडीशन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको एक वर्ड बोलते हैं वर्ड का नाम क्या है, उपाधि निराशा। यस, उपाधि, उस उपाधि निराशा, निराशा में निराश कर दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया, उपाधि मतलब कंडीशन, ठीक है। एंड एक काम और किया था इसके अंदर, वो है व्यो दारुणा, व्यो व्यो दारुणा, तो ये वर्ड था, मतलब कि रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। यस, अगेन एंड अगेन ऑब्जर्व करके दिखाया था हमने, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। समझ आ रहा है, पता नहीं कहाँ दिमाग रखा हुआ तुमने। चौथे नंबर पे क्या था, हम तर्क दिया था, तर्क दे दे के समझाया था। एक्चुअली ये नंबर 6 नहीं है, 5 है, ठीक है। सामान्य लक्षण, बी एन सिंह ने, रेशो साइनेशन है ये, रेशो साइनेशन, ठीक है, इसका मतलब कहता है सामान्य लक्षण, या रेशो साइनेशन तो तर्क को बोलते हैं, हम होगा अगर यूज करते हो, यस तर्क को बोलते हैं। यहां पर क्या है, सामान्य लक्षण, ठीक है, ऐसा तर्क को बोला था आपने। एक और लास्ट टाइम चीजें आती है, जब ये सब काम नहीं ना करते तो हमारे पास लॉजिकल ग्राउंड क्या था, इंडियन लॉजिक में व्याप्ति, नर्व्स क्या थी, व्याप्ति, तो भाई एक एक यहाँ पर साइकोलॉजिकल ग्राउंड भी है। साइकोलॉजिकल मतलब ये दिमागी, अब जब कुछ मीनिंग भी निकाल के समझ में आ रहा, क्योंकि आपका दिमाग रट्टा मारने वाला है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, आपके दिमाग से खेलेंगे हम, आपके दिमाग से कैसे खेलेंगे, साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजी से खेलेंगे। उसके लिए हम देंगे आपको परामर्श, सलाह मशवरा देंगे अब आपको, तो फिर जाके आपको समझाएंगे, भेजे में घुसता है नहीं नॉर्मल तरीके से मीनिंग निकाल के, तो आपको फिर एडवाइज ही करनी पड़ेगी, ठीक है, परामर्श करेंगे कि कृपया करके ऐसे पढ़ ले आओ। तो लॉजिकल ग्राउंड इज व्याप्ति, परामर्श इज साइकोलॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फ्रेंस, जिसमें हम आपको ओपिनियंस देते हैं, ठीक है, ऐसा। तर्क का मतलब होता है, आपने कभी सुना नहीं है, तर्क पे तर्क दे रहा है, डायलॉग पे डायलॉग मार रहा है, लॉजिक पे लॉजिक दिए जा रहा है, उसको हम समझना पड़ेगा फिर, ठीक है, वो है ये। सो स्मोक इज प्रेजेंट इन हिलो, सो यहाँ पे कारण दे देकर ना, सलाह देकर, परामर्श दे देकर समझाते हैं फिर। लॉजिकल रीजनिंग इज तर्क, तर्क की इंग्लिश होती है लॉजिकल रीजनिंग, यस। अच्छा, अब हम समझेंगे इन्फ्रेंस के क्लासिफिकेशन, व्हाट आर टाइप ऑफ इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंस अलग अलग फिलोसोफर ने अगेन अलग अलग तरीके से समझाए हैं, ठीक है। अभी हम वत्सायन के हिसाब से पढ़ लेते हैं, जो इन्फ्रेंस है वो 3 टाइप के हैं। हाँ जी, गुड। हाँ हेमंत, वो वाली ओल्ड वाली है, ठीक है, वो वाली न्यू वाली नहीं है, वो जो आपने देखा है ना, ये वाली न्यू वाली है, नाइस। अभी आ जाइए आपकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये कंसेप्ट वाली, ये क्वेश्चन बैंक वाली है। पूर्ववत, व्हेन वी इन्फर अनपरसीव्ड फैक्ट फ्रॉम परसीव्ड फैक्ट। अब इसको समझो, इन्फ्रेंस मतलब अनुमान। तुम कल परसों जाओगी क्या हरजीत, यार ये तो शुरू से पढ़ रही है, इन्फ्रेंस मतलब अनुमान, फिर ये वो वाली बात हो गई, एक चीज मैं कल पढ़ाऊं, एक चीज आज पढ़ाऊं, एक चीज अगले दिन पढ़ाऊं, तो मजा आएगा, कल का टॉपिक आज तक क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा। पूर्ववत इन्फ्रेंस कौन सा होता है मैम, ये वाली हिंदी में नहीं है एक्चुअली, हाँ हिंदी वो वाली भी तो पुरानी है हेमंत, जो आपने फोटो दिखाई है उसको मत लो, उसमें बहुत सारे टॉपिक कम है, जो अभी वाली है न्यू वाली, इसी के अंदर कोड होगा, उससे ई बुक हिंदी में अनलॉक हो जाएगी। अच्छा सुनो, यहाँ पर क्योंकि न्यू वाली में लगभग 80% टॉपिक अपडेट हुए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए। पूर्ववत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पहले कोई चीज, कॉज एंड इफेक्ट को अगर आप देखोगे, जो पहले हुआ है उसके बेसिस पे कुछ बताना, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड है, तो इससे हम कह सकते हैं क्लाउड्स,
को देख के डार्क या फुलनेस ऑफ कह सकते हो, ठीक है, डार्क क्योंकि सोरो को भी बोलते हैं, फुल ऑफ वॉटर, तो इसका मतलब कि रेन आएगी, ठीक है, ऐसा। तो कॉज मतलब पूर्व के बेसिस पे हमने रेन को इनफर किया है ऐसे। एंड व्हाट इज शेषवत, शेषवत मतलब बचे हुए से, रिमेनिंग से हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा। क्लास का लिंक तो टेलीग्राम में ही मैं सबसे पहले दे देती हूँ, ठीक है। वैसे अगर ग्रुप में होना है तो आपको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा प्लस क्लास का, और यूट्यूब पे नंबर दे रखा उस पर मैसेज करना। शेषवत का मतलब क्या है, जैसे कि बहुत ज्यादा मडी वाटर है, मडी वाटर का मतलब किचड़ है, वो फैला हुआ है। हम अपनी क्लास में पढ़ रहे थे अच्छे खासे, एकदम से बाहर देखा यार इतना पानी पानी कैसे आ गया, तो जरूर उसका रीजन बारिश होगा। इफेक्ट से हम कॉज के बारे में बता रहे हैं, शेष बचा हुआ रिमेनिंग से कॉज के बारे में बता रहे हैं, तो उसको कहते हैं, ठीक है, समझना है ये सब। हाँ, सामान्य तोड़त इन्फ्रेंस सामान्यतः दृष्ट, इसका क्या मतलब है, when inference is based not on causation but on uniformity of coexistence, जो inference है वो cause के ऊपर नहीं है। Now class से search कर लीजिए, telegram मिल जाएगा आपको, ठीक है, telegram में। सामान्य दृष्टि मतलब similarities, जब similar चीजें देखी तो उसके बाद में आगे हमने बता दिया तो उसको बोलते हैं similarities, सामान्य दृष्टि। मैं आगे सामान्य दृष्टि को बहुत डिटेल में आगे डिस्कस करती हूँ आपसे। अभी हम दोबारा से देख लेते हैं कि फायर इज साध्य, फायर कौन होती है, साध्य होती है, मेजर टर्म होती है, प्रेडिकेट होती है, हिल पक्ष माइनर टर्म होती है, सब्जेक्ट होती है, स्मोक हेतु रीजन होता है, मिडिल टर्म होता है, लिंगा होता है, और इन दोनों का एसोसिएशन एक दूसरे से क्या होता है, व्याप्ति। अब अभी दोबारा आएगा सब कुछ, एक बार ही इसी को समझते हैं कि इन्फ्रेंस की क्लासिफिकेशन कौन है, प्रशस्त पाल ने दिया है। प्रशस्त पाल क्या कहते हैं, कहते हैं स्वार्थ और प्रार्थ। जो इन्फ्रेंस हम निकालते हैं, जिसका मीनिंग निकालते हैं, या तो हम स्वार्थ के हिसाब से निकालते हैं या प्रार्थ के हिसाब से। स्वार्थ मीन्स कि मैं अपने हिसाब से मीनिंग निकालूंगा। आप सेम कहानी पढ़ना एक बार न्यूज़पेपर में और अपने हिसाब से मीनिंग निकालना, आपके दिमाग में जो उसका कंक्लूजन आएगा वो जेआरएफ से लिंक्ड होगा। लेकिन आप अपने घर में किसी बुजुर्ग से को कहानी सुनाना और उनको कहना आपको क्या समझ में आया, तो उनका दिमाग अपनी फैमिली इश्यूज से रिलेटेड जाएगा, वो दूसरी वाली सीख आपको दे रहे होंगे, आप उससे दूसरी सीख ले रहे होंगे सेम सेंटेंस से, ठीक है, क्योंकि जो जिस सिचुएशन से डील कर रहा होता है वो अपने स्वार्थ के हिसाब से, मतलब अपने वो जिस स्टेट से गुजर रहा है ना उस हिसाब से मीनिंग निकाल रहा है, समझे। जबकि हम प्रार्थ की बात करें तो प्रार्थ होता है दूसरों के लिए, ठीक है, दोनों अपने भी लाइफ से रिलेट करके फिर मीनिंग निकालेंगे। हम जो मोटिवेशनल कोट होते हैं, हम लोग उसको पढ़ाई में ले जाते हैं, दूसरे लोग उसको दूसरी जगह ले जाते हैं, कोट सेम है। लाइक आई वॉन्ट टू स्टडी, पेरेंट्स वॉन्ट टू गेट मैरिड, हाँ, वो फिर उस हिसाब से आपको शिक्षा देंगे, इससे ये शिक्षा निकलती है। वो आपको वो वाली शिक्षा दे रहे होंगे, आप उससे दूसरी शिक्षा ले रहे होंगे अपने आप से मीनिंग निकाल रहे। तो प्रार्थ इज कि दूसरों के लिए जीना, या फिर जो भी हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं या जो भी इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं वो ऐसा निकाल रहे हैं जिससे दूसरों का भला हो, सबका भला हो, मतलब लाइक सोसाइटी एज अ होल को क्लाइमेट चेंज से मुक्ति मिलेगी, ऐसा, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्रेंस ऑन बेसिस ऑफ परसेप्टिबिलिटी, परसेप्शन के हिसाब से। यहाँ पर ये ध्यान रखो, क्वेश्चन पूछ सकता है ना पर्पज के हिसाब से, क्या है स्वार्थ प्रार्थ पर्पस, मेरा पर्पस अलग है, अभी हम जेआरएफ उनका पर्सन पर्पस दूसरा है। देखिए यहाँ क्लासिफिकेशन इन्फ्रेंस का, परसेप्शन कैसे हम उसको परसीव करते हैं, समझते हैं, गौतम जी के द्वारा निकाला गया है, जिन्होंने न्याय दर्शन दिया है, न्याय के हिसाब से पूर्व शेषवत एंड सामान्य दृष्ट, ठीक है, वो अभी हमने दो पकड़ लिए, एक अच्छे से आगे डिस्कस कर लेंगे, पढ़ाई नहीं मैंने, तुम भागने डालो थोड़ी देर। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन टाइम जोन, समय के हिसाब से देखते हैं, इसको त्रिकाल क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर आर थ्री टाइप ऑफ काल, ठीक है, किसने दिया, आचार्य चारक ने। आचार्य चारक क्या कहते हैं, अतीत काल, पुराना, पास्ट,
इन्फ्रेंस हम अपने पास्ट के हिसाब से निकालते हैं कभी कभी, पहले भी ऐसा हो चुका है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइफ में कुछ पहले बहुत उल्टा हो चुका है, बुरा हो चुका है, तो मैं नेक्स्ट टाइम वैसा स्टेप लेने से भी डरूंगी, राइट? देन फिर आ गया अंगत काल। अंगत मीन्स फ्यूचर, फ्यूचर कि हम फ्यूचर में चाहते हैं वो निकालना, क्या जेरफ निकालना फ्यूचर में जेरफ निकालना चाहते हैं तो हम उसके हिसाब से इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं। देन वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट में अभी हम किस सिचुएशन में जी रहे हैं उस हिसाब से मीनिंग निकालते हैं, तो हम इन काल के हिसाब से मीनिंग निकालते हैं। देन इन्फ्रेंस ऑन मिसलो व्याप्ति, व्याप्ति के हिसाब से कैसे कैसे होते हैं। और ये किसने दिया था? मुक्त वाली ने दिया था, ये पेपर में आता रहता है, मुक्त वाली ने दिया था। अब वो क्या कहते हैं, केवल मतलब ओनली, अनव्याय पीछे बताया मैंने पॉजिटिव इंस्टेंस, केवल व्याय तरीकी ओनली नेगेटिव, और अनव्याय व्याय तरीके में दो आर्ग्यूमेंट होंगे, समझे? एक आर्ग्यूमेंट पूरा पॉजिटिव होगा, दूसरे में थोड़ा बहुत नेगेटिव नो वाला सेंस आएगा, ठीक है जी। सो फाइनली हम लोग इसको पूरी तरीके से डिटेल में, हमें जो मेन समझ गया, स्वार्थ पार्थ हो गया, प्रार्थ हो गया, काल भी हो गए, अब ये दो डिटेल में समझेंगे, हो जाएगा थर्ड वन आएगा अभी। अब वत्सायन बताते हैं कि यहाँ पर दो तरीके की डेफिनेशन है न्याय के अंदर, एक तो ट्रेडिशनल जो कि गौतम ने दी है, ठीक है, गुड, और दूसरी वत्सायन ने खुद दी, मतलब खुद भी दे दी। तो ट्रेडिशनल बेस्ड है कॉज एंड इफेक्ट पे, जो भी मैं बता रही थी ना वो न्याय के हिसाब से ही समझा रही थी, कॉज एंड इफेक्ट, और वत्सायन ने इसको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे दी है डेफिनेशन, इसी की पूर्व शेषवत उसकी। तो ट्रेडिशनल को समझते हैं पहले, दोबारा रिपीट करके सुन लो, फिर मत कहना नहीं आया। पूर्ववत, पूर्व मतलब पहले, पहले क्या होता है कॉज, एज पर कॉज जब हम इफेक्ट निकालते हैं तो उसको बोलेंगे। रेन इज इन्फर्ड फ्रॉम द क्लाउड, जैसे क्लाउड आ गए हैं तो हमने कहा रेन आएगी, अच्छा मेरे को थोड़ी देर में समझ में कह रहा है, मिलता है तुम्हें वत्स दिखता है जगह शेषवत, शेषवत इज वेयर कॉज इज इन्फर्ड फ्रॉम द इफेक्ट, जहां पे इफेक्ट ऑलरेडी है हम इससे कॉज निकालेंगे, ठीक है, कॉज निकालेंगे। तो मतलब जैसे मडी वाटर से हमने कहा जरूर यहाँ पर बारिश आई होगी, होगी मतलब उसका कॉज वो हम सोच रहे कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है ऐसा। सो फुलनेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर मीन्स देयर शुड बी रेन, देयर मस्ट बी रेन सम टाइम बैक, ठीक है, फ्यू मिनट्स बैक, तभी वहां पर आ रहा है। अब इसको समझो जो नहीं समझ में आया तुम्हें, अब ये समझा रही हूँ। सामान्यत दृष्ट, दृष्ट मीन्स दृष्टांत, दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल्स, ठीक है। सामान्य मीन्स सिमिलर, अब आ गया समझ। अब देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट समथिंग चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यू टू मूवमेंट, ये एग्जाम्पल डायरेक्टली क्वेश्चन में डिटो सेम आया, अभी मैं करा रखा था आपको, क्योंकि ये न्याय वाले एग्जाम्पल चेंज ही नहीं होते, कितने सालों से वो वही स्मोक फायर हिल को लेके बैठे हुए ये वही सेम ही आते हैं, इसलिए। So, क्या कहते हैं, ऑब्जर्व दैट समथिंग चेंजेस इट्स पोजीशन बिकॉज ऑफ मूवमेंट। अब ये देखो मेरे पास पेन है, पेन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट है, ठीक है, ये पेन की जो निब है वो चेंज कर रही है अपनी पोजीशन बिकॉज इसमें मूवमेंट है। सिमिलरली इन्होंने, ये पुराने जमाने के है भाई, तुम्हें पता है असलियत में कौन घूमता है, अर्थ घूमती है कि सन घूमता है, तो अपने नॉलेज मत लगाओ, उनके दिमाग से सुनो क्योंकि उनको नहीं पता था, ठीक है। So, उन्होंने ये सेम चीज देखी और चेक किया कि सन, सन भी तो अपनी पोजीशन चेंज करता है, इधर होता है फिर इधर होता है, उन्होंने ये देखा, तो इन्होंने इसे इन्फर कर दिया, अनुमान लगा दिया, क्या लगा दिया कि सन के अंदर भी मूवमेंट होगी, ऑल्दो मूवमेंट हैज नॉट सीन, जबकि मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही लेकिन होगी, क्योंकि ये रात सुबह इधर होता है रात को उधर होता है, बात समझ आ रही है। ऑल्दो हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, मतलब हम लोग मॉडर्न युग में पैदा हुए हैं, हमें एक्चुअली पता है कि अर्थ घूमती है, सन तो वहीं पर रहता है,
अर्थ उसके आसपास चक्कर लगाती है, उनको नहीं अभी वो अपना लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने लॉजिक किस पे लगाया, उन्होंने वो सिमिलैरिटी देखते हुए लगाया, ठीक है। फिर तुम वही बात करियो, कल दूसरी ज्योति कर रही थी ऐसी बातें, आज दूसरी ज्योति कर रही है, तुम ज्योति को नाम मत खराब करो, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। अब पढ़ लो, बट साइन मैम, बट अर्थ घूमता है ना, हाँ असलियत यही है अर्थ घूमता है, लेकिन जब पहले कभी न्यू थ्योरी निकल के आ रही है तो वो अपने लॉजिक लगा रहे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया, ठीक है, इन्होंने लॉजिक लगाया, साइंटिस्ट ने साइंस लगाई। अच्छा अनुमान 100% ट्रू इसीलिए तो नहीं होता, तभी तो अनियरिंग नहीं है, अनियरिंग प्रत्यक्ष है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी गलतियां हो जाती हैं। अब सुन लो, वत्सायन उन्होंने ऑब्जर्वेशन से अनुमान लगाया था, हाँ उन्होंने, अच्छा वैसे डेफिनेशन तो क्लियर हो गई ना, डेफिनेशन है सिमिलर एग्जाम्पल से, सिमिलर दृष्टांत से कोई चीज निकालना, ये बता रहे थे। वत्सायन सपोर्ट क्या करते हैं, अभी ये ट्रेडिशनल लैंग्वेज न्याय के हिसाब से बताइए हमने, अब हम वत्सायन की लैंग्वेज सुन लेते हैं। वत्सायन ने किसके बेसिस पे दिया, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डेफिनेशन, अब सेम चीज है, डेफिनेशन अलग कर दी भाई, पूर्ववत का मतलब कोई चीज ऑब्जर्व करी कि कोई चीज साथ होती है, ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है, अकरिंग टूगेदर ऑब्जर्व किया, जैसे फायर एंड स्मोक एक साथ होता है तो जरूर स्मोक है तो फायर होगा। पूर्ववत को वो कैसे डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो ऐसे डिफाइन करना चाहते हैं कि, अच्छा आप कह रहे होगी अगर जैसे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो JRF आगे करेंगे, ठीक है, या फिर चलो अगर अंडर ग्रेजुएशन हो गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, अंडर ग्रेजुएशन हो गया तो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, इसका मतलब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी की है तो ऑटोमेटिकली उसने अंडर ग्रेजुएशन करी होगी, है ना, तो पूर्ववत अगर अंडर ग्रेजुएशन है तो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तो ये चीज एक से दूसरी जा रही है, ठीक है, ये कह रहे हो। पूर्ववत का मतलब कि दोनों अगर साथ होती है, जहां जहां स्मोक है वहां वहां फायर है, स्मोक है फायर है, स्मोक है फायर, स्मोक देगा तो फायर होगी, अगली यूजी कर रहा है तो अगला पीजी कर सकता है, ऐसे। देन व्हाट इज शेषवत, इनके हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो गया ना, शेषवत में भी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, जब हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आते हैं ए बी सी डी, और ए बी सी डीज में हमें ये पता है कि इसका आंसर ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, हमें पता है कि ये नहीं हो सकते, तो बचा कौन, शेष, शेष मीन्स रिमेनिंग, शेष का मतलब होता है रिमेनिंग, ठीक है, रेस्ट, बचा कौन, सी, सो इट्स आंसर शुड बी सी, हम पे क्वेश्चन नहीं आता, हमें आंसर भी नहीं आता, हम तो काट रहे हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा फिर ऐसे, समझे, तो ये इनकी डेफिनेशन है, शेष मतलब रिमेनिंग। सो देखो पहले हम इजी वाला एग्जांपल लेते हैं, फिर इनका खुद का एग्जांपल लेना जरूरी है, क्योंकि डिट्टो सेम इनके एग्जांपल आ जाते उठ के, जैसे कि एक्स और वाई और जेड में से ढूंढना है कि हु इज द मर्डरर, ठीक है, X एंड Y ने प्रूव कर लिया कि वो तो मर्डरर नहीं है, उन्होंने मर्डर नहीं किया, तो बचा कौन, मतलब मर्डर किया हुआ Z ने, हमने ये निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। नाउ एमसीक्यू वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, अब इनका एग्जाम्पल समझते हैं। वन डाउट, यहाँ पर हमें एक डाउट हो रहा है कि साउंड एक सब्सटेंस है, एट्रीब्यूट है या एक्टिविटी है, आज तुम्हें पता चलेगा कि वो जो क्वेश्चन आता है ना, सब्सटेंस इज, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज विजिबल इनविजिबल कुछ बोलता रहता है, इसको सुनो, ये है वो असली बात, साउंड सब्सटेंस है, चीज है, साउंड एट्रीब्यूट है कि साउंड एक एक्टिविटी है। आफ्टर देन एक बंदा कहता है कि साउंड सब्सटेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज पैदा होती है तो मरेगी जरूर, या सब्सटेंस नहीं है क्योंकि इफ इट इज मटेरियल कॉज सम वही कारण इट जस्ट सब्सटेंस दैट Either, तो फिर वो उसका अक्स होना जरूरी था। इनका कहने का मतलब है कि
सब्सटेंस अगर होता ये तो इसकी परछाई होनी चाहिए थी. अक्स मींस इधर मींस शैडो. अरे आप सब्सटेंस हो, मैं सब्सटेंस हूं, मैं भी चीज हूँ, आप भी चीज हो, पेन ड्राइव भी चीज है, ठीक है, इस सब की शैडो है. साउंड की शैडो तो नहीं दिखती मुझे, तो मतलब साउंड सब्सटेंस तो नहीं है. नाउ साउंड इज नॉट एक्टिविटी, एक्टिविटी भी नहीं है. बिकॉज अगर एक एक्टिविटी होता तो एक एक्टिविटी करते तो उससे दूसरा काम होता है, एक एक्टिविटी करने से दूसरा काम होता है, काम होता है. लेकिन एक्चुअली साउंड से आवाज ही आती है और कुछ नया दूसरा काम तो होता ही नहीं. मैं पढ़ाई करूंगी तो JRF निकलेगी, मैं घर का काम करूंगी तो वो काम अच्छा होगा, मतलब एनीथिंग इफ आई डू एक्टिविटी देन उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा. तो साउंड से तो ऐसा कोई दूसरी चीज नहीं होती, तो इसका मतलब इससे दूसरी कॉज होनी चाहिए थी, नहीं हो रही तो ये एक्टिविटी भी नहीं है. मतलब वहां इनको आज तक साफ साफ तो नहीं पता चला, लेकिन शेष वक्त से पता चला है. इसका मतलब सब्सटेंस नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा? एट्रीब्यूट. तो एक जैसे कि ये फीचर है, एक करेक्टरिस्टिक्स है, एक एट्रीब्यूट है. अब आ गई बात समझ? हाँ जी, गुड. अभी नेक्स्ट समझते हैं इनकी डेफिनेशन. ये वाली याद करनी है तो थोड़ा ध्यान से अपने कान लगाने पड़ेंगे. अब ध्यान से सुनो, सामान्य दृष्ट वत्सायन की डेफिनेशन में क्या है, क्योंकि यहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है. अगेन एग्जांपल पहले लेते हैं. द सोल आत्मा इन्फर फ्रॉम डिजायर, इच्छा. इच्छा के हिसाब से हम लोग आत्मा के बारे में समझाते हैं. डिजायर इज एट्रीब्यूट. डिजायर एक करेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट है. मेरे अंदर इच्छा है तो ये करेक्टरिस्टिक्स है. एट्रीब्यूट मस्ट बी लोकेटेड इन सब्सटेंस. अच्छा, मेरी इच्छा किसके अंदर है? मेरे अंदर. प्रियंका की इच्छा प्रियंका के अंदर, ठीक है. तो ये किसी सब्सटेंस के अंदर होता है जरूर. एट्रीब्यूट, जो भी चीज कोई एट्रीब्यूट होती है वो किसी सब्सटेंस के अंदर होती है, ये हमें पता चल गया. फीचर ऋतु कैसी है, पॉजिटिव थिंकिंग की है कि नेगेटिव थिंकिंग की, ठीक है. तो दैट इज एट्रीब्यूट विच इज इन ऋतु. सो एट्रीब्यूट मस्ट बी लोकेटेड इन सब्सटेंस. इन दिस केस अगर मैं आत्मा की बात करूंगी तो आत्मा कहाँ है? आत्मा हमारे अंदर, बॉडी के अंदर. सो सॉल इज ऑल्सो एट्रीब्यूट बिकॉज सॉल इज इन बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर है आत्मा. ऐसा आगे समझ. तो अब इसको डेफिनेशन में समझेंगे. सुनो, सामान्य दृष्ट इन्फ्रेंस विच इज नॉट प्रिसीडेड बाय परसेप्शन. सामने दिखाई नहीं दे रहा. सामान्य दृष्ट मीन्स वो सामने दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है. रिलेशन बिटवीन रीजन यानी कि लिंगा एंड टारगेट लिंगी. रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक मिनट. रिलेशनशिप बिटवीन लिंगा रीजन यानी कि मिडल टर्म एंड लिंगी यानी कि मेजर टर्म. इन दिस केस अनपरसीव्ड टारगेट, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता ये वो है, ठीक है. अप्रत्यक्ष लिंगी, अप्रत्यक्ष लिंगी है ये. इज इन्फर्ड फ्रॉम रीजन, वो रीजन से हम इन्फर कर रहे हैं. दैट इज लाइक सम अदर रीजन, जो दूसरा रीजन होगा उससे हम निकाल रहे हैं. मैं दोबारा बताती हूँ एक्चुअली इनको दूसरे वाले एग्जाम्पल से. अब जितने बच्चे हंस रहे हैं ना, ये मजे कर रहे हैं इधर उधर फालतू की बातों पे, उन्होंने मेरे से पूछा ना, रिपीट कर दो फिर देखना. तो सामान्य दृष्टि का एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया था? हाँ, यहाँ पर आत्मा से ही लेते हैं. चलो, सॉल एक डिजायर है, बट डिजायर अनपरसीव्ड है. क्या है? अनपरसीव्ड, दिखाई तो नहीं दे रही मुझे, समझे. तो अप्रत्यक्ष अनपरसीव्ड है डिजायर. इन दिस केस अनपरसीव्ड टारगेट, जो मुझे फाइंड क्या करना है, मेजर टर्म यही हुई ना जो फाइंड करनी है. मेजर टर्म इज अनपरसीव्ड, जो दिखाई नहीं दे रही. ऐसा अब अनपरसीव्ड है सॉल, बट इसको कहां से रिलेशनशिप चेक करके हम इसको कंफर्मेशन दे रहे हैं? फ्रॉम अदर. तो यहाँ पे लिखा है इन्फ्रेंस विच इज नॉट प्रिसीडेड बाय परसेप्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन रीजन एंड टारगेट. रीजन और टारगेट के परसेप्शन से तो नहीं आ रहा. इन दिस केस इट्स इन्फर्ड लाइक सम अदर रीजन, किसी दूसरी रीजनिंग से हम इसके रिजल्ट निकाल रहे हैं, समझे. तो सामान्य दृष्टि कहता है कि सिमिलर दृष्टांत एग्जाम्पल देके हम तभी आंसर निकाल सकते हैं जब
सिमिलैरिटी कब बतानी पड़ेगी, जब मुझे डायरेक्टली सामने इसका नहीं मिल रहा कि ये इसकी वजह से हो रहा है, तो मैं कोई दूसरी चीज लेती हूँ उसके कनेक्शन से इसका कनेक्शन बिठाती हूँ। अब डेफिनेशन क्लियर हुआ, अदर एट्रीब्यूट से इसके अनपरसीव्ड फैक्ट को हम प्रूव करते हैं, सम सिमिलैरिटी से प्रूव करते हैं, ये बोल रहे हैं हम। हाँ जी, वो उसकी फिर डेफिनेशन में इसलिए बच्चे बोलते हैं मैम अनपरसीव कहाँ से आ गया, पेपर में आ गया था, अरे लिखा हुआ उसमें लिंगा लिंगी कहाँ से आया, वो भी सुनो, लिंगा मीन्स मिडल टर्म, लिंगी मीन्स टारगेट टर्म, टारगेट मीन्स ये उपमान के कैसे डिफरेंट है। यहाँ पर हम इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं, मीनिंग निकाल रहे हैं कि एक चीज प्रूव कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ अदर एग्जाम्पल, ठीक है। उपमान में होता है कि सब में सिमिलैरिटी है बस, यहाँ पर प्रायर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम लोग सिमिलैरिटी के थ्रू इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं। कुछ समझ में आया, अनुमान होता है क्या है, अनुमान में दृष्टांत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एग्जाम्पल तो हमारे उसी में है, फुन में, पी का एच के बाद उदाहरण, हाँ उदाहरण में ही है, ठीक है, बट अदर पुरानी वाली ऑब्जर्वेशन के थ्रू, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है अदर, उनके थ्रू निकालते हैं। अनुमान में उद्योतकार फर्स्ट लॉजिशियन थे जिन्होंने ये समझाया, किसने समझाया, केवल अन्व्यायी, केवल व्यायी तरीकी, अन्व्यायी तरीकी, किसने समझाया, इन्होंने दिखाया, लाइक मेटाफर्स मैम, हाँ आप उससे कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर मेटाफर्स नहीं है, डायरेक्टली सब्सटेंस साउंड इन सब के बारे में ही बता रहे हो। केवल अन्व्यायी में मिडल टर्म विल बी पॉजिटिव रिलेटेड विद मेजर टर्म, आप ध्यान रखना रिलेशन हमेशा किसमें बनाते हैं, हम मिडल एंड मेजर में, माइनर में नहीं बना रहे जाकर, मिडल टर्म पॉजिटिवली रिलेटेड है मेजर के साथ, मिडल टर्म नेगेटिवली रिलेटेड है मेजर के साथ। व्यायी तरीकी समझ में आ रही है, बहुत बार रिपीट हो गया है। अब अनव्यायी व्यायी तरीकी जो कह रहा था रिपीट होने के लिए करने के लिए सुनो, इसमें मिडल टर्म पॉजिटिवली भी रिलेटेड होगी एक आर्ग्यूमेंट में और दूसरे आर्ग्यूमेंट में नेगेटिवली भी रिलेटेड होगी, दोनों होंगे, दो आर्ग्यूमेंट होंगे यहाँ पर, एक आर्ग्यूमेंट प्रीमाइस वन, प्रीमाइस टू और कंक्लूजन होता है ना, अब ये पूरा पॉजिटिव है तो केवल अनव्यायी, पूरा नेगेटिव है तो केवल व्यायी तरीकी, लेकिन दो प्रीमाइस आ गए, एक में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, एक में थोड़ा नेगेटिव वर्ड आ रहे हैं, वो एक अनव्यायी एक व्यायी तरीकी, ऐसा। इन केस ऑफ केवल व्यायी व्याप्ति इज अफर्मेटिव, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है वो तो। सो दोबारा अगले पेज पे देख लो, फटाफट से गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है ना, दिस इज केवल अनव्यायी, ठीक है, बहुत इजी है, वेरी इजी। एंड इसमें नोट शब्द आ रहा है, नो आ रहा है वर्ड, तो थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, इसलिए दिस इज केवल व्यायी तरीकी, आर्ग्यूमेंट ही नेगेटिव हो जाएगा। अनव्यायी व्यायी तरीके क्या है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, देयर इज नो स्मोक बोल रहा है एक जगह पे, एक जगह बोल रहा है देयर इज स्मोक, हम किसकी बात माने। मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज काइंड ऑफ इन्फ्रेंस स्वार्थ अनुमान, अच्छा वो हो गया ना, स्वार्थ प्राप्त किसने दिया था, वो चेक कर लेना किसने दिया था, मैम मुक्त वाली ने किस बेसिस पर क्लासीफाई किया है, मुक्त वाली ने क्लासिफाई किया, इसके एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया फिर, ठीक है, उदालक ने, जो कि केवल व्यायी, मुक्त वाली जो है उन्होंने बताया इन्फ्रेंस को व्याप्ति के बेसिस पे बताया जा सकता है, ठीक है, ऐसा, और उसको एक्सप्लेन पूरा उन्होंने किया है उदालक ने, तो होता है ऐसा सेंटेंसेस। अभी हमारा क्या बचा है, ओके, अब वो था ना स्वार्थ और प्रार्थ वाला, ठीक है, स्वार्थ और प्रार्थ वाला था वो। ईएमआई मींस ना मैम, ईएमआई कहां से आगे बीच में, अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें क्या करूं मैं बताओ, मैडम जी यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन है, क्या देखू ये वाला, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेप इन्फर इन न्याय सिलोजिज्म ऑल थ्री टर्म स्टैंड सिंथेसिस, तीनों टर्म किसमें आती है, उपन्याय में आती है, ठीक है,
उपनाया में, यही आंसर होगा उसका, तीनों टर्म उपनाया में आती है। कैसे? देखो देखो जैसे किचन में स्मोक था वहां पे भी आग थी, चलो जाके देखो हिल पे भी तो है। इससे पहले जो उदाहरण है ना उसके बाद उपनाय में अगर देखो देखो जैसे वहां पर था यहाँ पर भी तो है, तीनों टर्म आ रही है, समझे? उपनाय एक लगेगी ना तुम्हें डिजिटल वाली, उदाहरण होता है यार एग्जाम्पल, उपनाय होता है रीअफर्म, दोबारा से अफर्म करने जा रहे हैं, देखो उसमें ऐसा हो रहा है वो यहाँ पर भी ऐसा है, ठीक है? हाँ जी, तो कृपया करके यहाँ भी देख लो, दो एक स्वार्थ प्रमाण था इन पर और वन सेल्फ अपने लिए, प्रार्थ दूसरों के लिए कार्य करना, ठीक है? एक टीचर, अच्छा वेरी गुड एग्जाम्पल इज टीचर, किसके लिए पढ़ा रही हूँ मैं तो चाह रही हूँ मेरे सारे बच्चे फर्स्ट टाइम, ठीक है? जितना आपका रिजल्ट अच्छा उतने मेरे फायदा। लेकिन लर्नर टीचर प्रार्थ लर्नर सेल्फ सेंटर, अब रितु क्या चाहती है, रितु चाहती है मैं फर्स्ट हूँ, शुभ्रा चाहती है मैं हूँ, ठीक है? अब ऐसा तो नहीं है कि रितु कहेगी कोई बात नहीं मैं 100% है, रितेश तुम ले लो, ऐसा तो नहीं कहेगी वो, ठीक है? यस हाँ, सारे बच्चे नव लर्नर्स आएंगे फर्स्ट, चलो पढ़ो अच्छे से मेहनत करो। तो बस यही था यार, इसके अंदर कुछ तो नहीं है ना समझाने वाला, इन्फ्लुएंस वन सेल्फ या वन ओन बेनिफिट, हाँ यही है। सो अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिसी, ठीक है? सो एक सेकेंड का ही ब्रेक है, मैं चार्जर ऑन करके आती हूँ। आ गए, तुम अगस्त में कहाँ पहुंच गई अंजलि? ए फॉर अगस्त का दिया तुमने, पढ़ लो तुम, एंड ईयर जाने, अब हो सकता है जून में या एंड में के आसपास हो जाए। हाँ जी, फॉलेसी ऑफ इन्फ्रेंस, मैं ही तो रख रही हूँ टेट जो मेरे पीछे पड़ गए हो, ठीक है? मेरे को नहीं पता, मैं नहीं हूँ एनटीए में, सोच लेती हूँ चली जाऊंगी थोड़े टाइम में। फॉलेसी ऑफ इन्फ्रेंसेस इज इंडियन फॉलेसी इज नॉन एज हेतु भाषा। अब हम यहाँ पर फॉलेसी पढ़ रहे हैं, वन टू थ्री रेडी? यस, फॉलेसी मीन्स मिस्टेक्स, और इंडियन लॉजिक में फॉलेसी हेतु की वजह से होती है, मतलब एक हेतु पांच तरीके की फॉलेसियां कराएगा आगे। हेतु भाषा, हेतु भाषा, मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड रखा है आज रात को 10 बजे, ठीक है? क्योंकि उसमें सारी यूनिट्स चलते हैं नीचे, कभी कोई एक बना रहता है तो भूल जाओगे पिछला। सो हेतु भाषा फॉलेसी, वेस्टर्न लॉजिक में फॉलेसी फॉर्मल इन नेचर थी, ठीक है? लेकिन इंडियन लॉजिक में फॉलेसी मेनली मटेरियल इन नेचर है। मटेरियल मतलब कंटेंट में जाना, मटेरियल में पूरा अंदर मीनिंग निकालना। हेतु भाषा, हेतु से आया, हेतु हेतु, अभाष मतलब भाषा गलत, अभाष, सो फॉलेसी आ रही है। विच ईयर की रिसर्च होगी, मतलब मैं तुम्हें फ्यूचर में लेके जाऊंगा ना, रात को आ जाएगा फ्यूचर, चलो टाइम ट्रेवल कर लेना थोड़े घंटों में। फाइव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड टर्म, वैलिड टर्म की फाइव करेक्टरिस्टिक्स होती है। व्हेन दीज करेक्टरिस्टिक्स आर वायलेटेड, अगर इनमें से एक भी चीज वायलेट हो गई तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे फॉलेसी आ जाएगी, सिंपल। यही पूछते हैं क्या क्वेश्चन ऐसे वाले? अच्छा दूसरी थी ये, फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स वैलिड के क्या आते हैं यार? अभी तुम्हें मैंने रिफ्रेश किया था ना, सुन लो, हम फॉलेसी कर लो आज। इट मस्ट बी प्रेजेंट इन माइनर टर्म,
मतलब माइनर टर्म में वो प्रेजेंट होनी चाहिए, पक्ष धर्माता, पक्ष में धर्म होना चाहिए, इसका होनी चाहिए, ठीक है, पक्ष में। स्मोक मस्ट बी प्रेजेंट इन हिल, आ गया समझ। देन सपक्षत्व का मीनिंग पॉजिटिव इंस्टेंस में होना चाहिए, व्याप्ति वाले जो पीछे पॉइंट्स किए थे लगभग वैसे ही है ना, ये भी हेतु के कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे जो, पक्ष में होना चाहिए, प्रेजेंट इन पॉजिटिव एग्जाम्पल्स एंड एबसेंट इन ऑल नेगेटिव एग्जाम्पल्स, विपक्षत्व। इट मस्ट नॉन इनकम्पैटिबल विद मेजर टर्म, मेजर टर्म के साथ इनकम्पैटिबल नहीं होना चाहिए, मतलब बाधा नहीं आनी चाहिए, अगर वो इनकम्पैटिबल हो जाएगा तो बाधा आ जाएगी। इट मस्ट नॉट क्वालिफाइड एज एबसेंस ऑफ काउंटर, इट मस्ट बी क्वालिफाइड एज काउंटर एक्टिंग रीजन के एबसेंस होनी चाहिए, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी एबसेंट होनी चाहिए, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अविरुद्ध, विरुद्ध नहीं चाहिए, वी डोंट वॉन्ट विरुद्ध। इसमें से एक भी पॉइंट गलत है तो आपका हेतु भाषा आएगी अब, ठीक है। दीज आर पॉजिटिव, दीज आर करेक्ट वैलिड टर्म्स की फाइव करेक्टरिस्टिक्स, अगर ये टर्म्स गलत होंगे तो इनवैलिड हो जाएगा ये, इसीलिए फाइव टाइप ऑफ हेतु भाषा होती है। स्वयंविचारा, स्वयंविचार में क्या होता है, डेविएशन, इररेगुलर मिडल, मिडल टर्म जो होती है वो रेगुलरली अटैच नहीं होती उसके साथ, इसलिए विरुद्ध कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, वहां पे चाहिए थी अविरुद्ध। असिद्ध, जिसको प्रूव नहीं किया जा सकते, वहां पर सिद्ध किए जा सकना हो। सत प्रतिपाक, एंटीथीसिस, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा सेंटेंस होंगे और सब एक दूसरे के उल्टी बात कर रहे होंगे, इसलिए उसको सत प्रतिपाक कहते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी टर्म्स देख रहे थे, ठीक है, अभी शुरू नहीं हुआ। बाधित मतलब, बाधित मतलब कि बाधाएं आ रही हैं, ठीक है, बीच में अदर स्ट्रॉन्ग प्रमाण की वजह से। इधर मुझे एक बात और बतानी है, ये मैंने एज अ चार्ट ही बनाया है कि असिद्ध को नॉन प्रूव, अनप्रूव मिडल, साध्य सामा भी बोलते हैं, पता ना इंडियन लॉजिक में यही मेन बात है, किसको और क्या बोलते हैं, दस दस नाम होते हैं इनके, काउंटर क्वेश्चन भी बोलते हैं। सत प्रतिपाक को हैविंग एंटीथीसिस, सत प्रतिपक्ष प्रकार अनासाम और काउंटरएक्टेड मिडल, कंट्रोवर्शियल, प्रोवोक क्वेश्चन, आर्ग्यूमेंट मीन टू सेटल, ये सब भी बोलते हैं। बाधित को स्ट्रॉन्ग प्रमाण, अनदर स्ट्रॉन्ग प्रमाण, प्रायर नॉलेज की वजह से, काल पास्ट की वजह से, मतलब पास्ट क्या होता है, काल, प्रायर नॉलेज जो पहले से ही पता है, आग ठंडी नहीं होती, गर्म होती है, काल्तिका। बाधित मिसटाइम्ड और कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, मिसटाइम्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल्स भी इनको बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ से जब हम सब पढ़ लेंगे ना उसके बाद यहाँ पे आके इनके सिनोनिम्स याद कर लेना आके, पर्यायवाची शब्द। Now, characteristics of न्याय सिलोजिज्म, five type of fallacies are there, middle term की ही fallacy होती है सारी, in this only middle term की ही fallacy होती है। कह रहा है न्याय वाले not only formal, वो सिर्फ formal नहीं देख रहे, middle उसके material में जाते हैं, ठीक है, वो ये कह रहा ऊपर। इनकंक्लूसिव को स्वय विचार कहते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल को विरुद्ध कहते हैं, अब इसको पढ़ लेते हैं, हो तो गया, एक एक करके शुरू करेंगे। तो स्वय विचार फालिसी इज इरेगुलर मिडल टर्म फालिसी, इसके और भी नाम है, स्वय विचार को व्यय विचार, डेविएशन, अनैकांतिका भी बोलते हैं, ठीक है, इतने सारे नाम है। अब सुनो, यहाँ पर मिडल टर्म इरेगुलरली रिलेटेड टू मेजर टर्म, मेजर टर्म के साथ रेगुलरली रिलेटेड नहीं है, इरेगुलर रिलेटेड है। ऑल बाइपेड आर रैशनल, बाइपेड मींस जिनके दो टांगे होती है, ठीक है, जिनकी दो टांगे होती है ना उसको बाइपेड बोलते हैं, और वो रैशनल है। रैशनल का मतलब जो हर सर्कमस्टांस को देखकर उसके हिसाब से डिसीजन ले सकता है। हम डिसीजन लेते हैं, हमें ये घर खरीदना है, हमें ये चॉकलेट खरीदनी है, हमें ये बनना है, लेकिन उसका मतलब जितने भी दो पैरों में खड़े होने वाले लोग हैं वो सारे ही रैशनल होते हैं, वैसे बोल रहा है, हम भी बाइपेड है।
फिर स्वैन ऑल्सो बाइपेड, स्वैन मतलब हंस, हंस भी दो पैरों पे, द्विपाद दो पैर पे खड़ा होता है, लेकिन ये बताओ कि हंस रैशनल है कि नहीं? नो, हंस प्रॉपर्टी खरीदता है, हंस हमारी तरह डिसीजन लेता है। तो यहाँ पर आपने मेजर टर्म के साथ आपका ये जो मिडल टर्म है, मैं हंस हूँ, तुम तो दुनिया के सारे प्राणी हो, है तुम बेबी भी हो, हंस भी हो। सो यहाँ पर जो बाइपेड है ना, वो करेक्टली इरेगुलरली रेगुलरली रैशनल नहीं है। यहाँ पर सेंटेंस गलत है, यहाँ पर बोलना क्या चाहिए था, यहाँ बोलना ये चाहिए था ह्यूमन बाइपेड आर रैशनल, ठीक है, यहाँ सही से नहीं बोला गया। आई होप दिस इज क्लियर। पॉलिसी आ गई, इरेगुलर मिडल हो गया, वेस्टर्न में इसको सॉल्व करते थे, यहाँ लॉजिकली सोच रहे हैं, हाँ यहाँ मीनिंग निकालने पड़ रहे हैं। वेस्टर्न में तो ये आंसर सही है, वेस्टर्न के हिसाब से सही है, इंडियन के हिसाब से गलत है। तो यहाँ पर हेतु डिफेक्टिव है, हेतु इज डिफेक्टिव। तुम हंस हो तो तुम यहाँ पे स्वयं बेचारा वाली पॉलिसी मत करो, है स्वयं बेचारा व्यय बेचारा डेविएशन, डेविएशन दूर जाना। इट्स अनदर नेम इज अनेकांतिक, अनेकांतिक भी है। इट मीन्स प्रेजेंट ओनली इन वन साइड, ऐसी चीज जो एक जगह प्रेजेंट है, दूसरी जगह प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए उसका आंसर सही नहीं आ रहा, रेगुलर नहीं है, रीजन समझ गए ना? हाँ जी। तो अब स्वयं विचारा टोटल थ्री टाइप्स का होता है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहार। साधारण को जनरल बोलते हैं, असाधारण को इन जनरल बोलते हैं, अनुपसंहार को क्या बोलते हैं, इनकंक्लूसिव। तो साधारण ही पढ़ा है हमने हंस वाला, अभी साधारण के अंदर डेफिनेशन देखो, ये वाली क्लियरली डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी आपको, प्रेजेंस ऑफ हेतु ऑल्सो वेयर साध्य इज एब्सेंट। कैसे? अरे हंस में तो रैशनैलिटी आती नहीं, वहां पर भी प्रेजेंट हो रहा है बाइपेड, वहां पे क्या करने गया था बाइपेड, वहां फिर इसका मतलब हेतु ही सही नहीं ढूंढा हमने, हेतु ही गलत ढूंढ लिया, कुछ और सोचना चाहिए था इसकी जगह, समझे? तो वो वहां भी जाके प्रेजेंट हो रहा है जहां पे साध्या में वो एब्सेंट है, रैशनल नहीं होता हंस। तो ये इसका एग्जाम्पल आप हंस वाले एग्जाम्पल से भी, बाइपेड से भी ले सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बाइपेड तो हम ले चुके हैं, वो है इफ वी इनफर बेसिस ऑफ फायर, फायर इज एब्सेंट ऑन माउंट, सॉरी फायर इज प्रेजेंट ऑन माउंटेन पक्ष, इन किचन स पक्ष, ऑल्सो प्रेजेंट इन राइट आयरन बोल, इरेगुलर, भाई वहां तो स्मोक ही नहीं है, वहां तो इरेगुलर हो गया ना। आप हर जगह, अगर यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल लेकर आ गए रेड आयरन बोल विपक्ष, लेकिन वहां पर भी जाके ये प्रेजेंट हो रही है, बट इन लास्ट रेड आयरन बोल देर इज नो स्मोक, तो हेतु यहाँ पर डिफेक्ट हो गया हेतु का, तो इट इज नॉट प्रेजेंट इन विपक्ष, ठीक है? तो हेतु डिफेक्टेड हो गया है, उसको सही से हर जगह लागू, अगर उसका प्रेजेंस है तो हर जगह दिखाई देनी चाहिए, एब्सेंस है तो हर जगह एब्सेंस होनी चाहिए, ऐसा एग्जांपल्स में। नाउ असाधारण व्यय विचार, असाधारण स्वय विचार, इन जनरल स्वय विचार को क्या बोलते हैं? प्रेजेंस ऑफ हेतु ओनली इन पक्ष, वो सिर्फ पक्ष में है, वेयर साध्य हैज टू बी प्रूव्ड नो वेयर एल्स, और कहीं है ही नहीं। यहाँ पूरे टर्म्स देखिए, हेतु पॉजिटिव एग्जाम्पल में होना चाहिए, नेगेटिव एग्जाम्पल में एब्सेंट होना चाहिए, यहाँ एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहे। वन इनफर साउंड इज इटर्नल, इटर्नल मतलब परमानेंट, बिकॉज इट हैज साउंडनेस इट्स प्रॉपर्टी, जो आप साउंडनेस की बिकॉज बता रहे हो, साउंडनेस क्या है, मिडल टर्म, लेकिन रुको अभी पहले सुनो, मिडल टर्म के सिमिलर एग्जाम्पल दो मुझे पहले, पॉजिटिव एग्जाम्पल जहां पे साउंड हो और साउंडनेस हो, लेकिन एग्जाम्पल अलग भी तो होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपने हिल वाले क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल किसका लिया था, किचन का, यहाँ पे साउंड में यहाँ पर स्मोक दिखा रहे थे ना, और किचन में भी स्मोक था, इसमें आप साउंडनेस दिखा रहे हो, तो ऐसा दूसरा एग्जाम्पल दिखाओ जिसमें साउंडनेस है, लेकिन साउंड के अलावा नया दिखाओ,
जैसे हमने हिल की जगह किचन दिखाया था, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये क्या है, इन जनरल साउंडनेस होता ही साउंड में है, उसके एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहे हैं तो हम प्रूफ कैसे करें? सो हियर साउंडनेस इज प्रेजेंट ओनली इन साउंड, नो वेयर एल्स, पक्ष में ही है, नो वेयर एल्स। अनुपसंहारी और सुनो, तब समझ में आएगा, नहीं समझा तुम्हें? अरे यहां पर एक कॉमन सेंस है ना कि अनुमान को प्रूव करने के लिए उसके सिमिलर एग्जाम्पल चाहिए और सिमिलर एग्जाम्पल अलग चाहिए। जैसे कि किचन में भी आपका स्मोक है और वहां पर भी फायर है, फॉरेस्ट में भी स्मोक है, फॉरेस्ट में भी फायर है। मैं क्या बार बार ये बोल रही हूँ, हिल पे स्मोक है और इसके मतलब उस पर भी फायर होगा क्योंकि मैंने दूसरा हिल देखा था, वो वाले हिल पे स्मोक था और उस पर फायर था, तीसरा हिल देखा वो वाले हिल पे। हम उसके डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जहां पर स्मोक हो सकता है, यहाँ सिमिलर एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। साउंडनेस ओनली एग्जिस्ट ओनली इन साउंड, नॉट इन नोवेयर एल्स, कहीं और होते नहीं, मैं एग्जाम्पल कहां से लाऊं, एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहा। इन जनरल अनुपसंहार को समझते हैं, अनुपसंहार न का आवाज आती है यहाँ पर इसमें, म में भी, ठीक है, वो होता ना ऐसा न, न, म। तो इनकंक्लूसिव डेविएशन, हिल का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, क्योंकि पहाड़ी का दिखाई दे रहा हमें। अच्छा देखना जरा इधर पे, इनको दिखाता स्मोक पहाड़ी पे। इनकंक्लूसिव, कंक्लूजन ही नहीं निकाल सकते हम, क्यों नहीं निकाल सकते? सेंटेंस पढ़ो, इन दिस केस हेतु इज प्रेजेंट, अब मैं इंडियन लॉजिक ले लूंगी, अच्छा गुड, प्रेजेंट इन पक्ष, देयर साध्य हैज टू प्रूव, बट नो सिमिलर और डिसिमिलर केसेस आते हैं। एग्जाम्पल देखो, एवरीथिंग मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब क्षणिक, मतलब घूमती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है अपने। अब क्या एग्जिस्टेंस में मैं एवरीथिंग के अंदर तो सब कुछ ही आ गया, अब एवरीथिंग का सिमिलर एग्जाम्पल वो भी एवरीथिंग में अंदर ही आ जाएगा। अच्छा डिसिमिलर एग्जाम्पल दिखाओ, डिसिमिलर मीन्स नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्ट तो करता है सब कुछ, मुझे दिख रहा है, बट नॉन एग्जिस्टेंस कौन है, जो मर चुका है, लेकिन उसका एग्जाम्पल लेके आओ, लेकिन कैसे आओ, मर गया, मैं कैसे लेके आऊ, मेरे को मरना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। नॉन एग्जिस्टेंस वो है जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, पहले तो मैं उस दुनिया में जाऊं, लेकिन अगर चली गई तो पता नहीं वापिस आऊंगी कि नहीं। तो इसको प्रूव, कंक्लूजन ही नहीं आ सकता, वाई कंक्लूजन नहीं आ सकता, क्योंकि ऑपोजिट एग्जाम्पल नहीं मिल रहे, वाई, हेतु की टर्म थी, हेतु पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में एब्सेंट होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव में देखूंगी तब तो बताऊंगी ना एब्सेंट है कि नहीं, जा ही नहीं पा रही नॉन एग्जिस्टेंस में, बात आ रही समझ, इसका ऑपोजिट नहीं मिल रहा। तो स्टोन को रब करने से फायर निकलती थी, तो अभी भी निकलती है वो, तो नॉन एग्जिस्टेंस कहां से हो गया, वो तो एग्जिस्ट करता है ना। वेरी गुड, क्या कौन बोला ये, चीनू कह रही है, नाइस नाइस। अच्छा साइनाइड आपको पता है कोई पर्सन खा सकता है कि नहीं, खा तो सकता है, मतलब क्या, लेकिन उसका हल्का सा ऐसा टेस्ट करोगे खाते ही मर जाएगा, विद इन 5 मिनट्स उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। अब बताओ, मैंने पूछा आपसे, बताओ साइनाइड का टेस्ट कैसा है, भाई बंदा टेस्ट करते बचेगा ही नहीं, बताएगा क्या खाक टेस्ट कैसा है, ठीक है। ये तो वो हो गया जो कंक्लूजन ही नहीं आ सकता, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया आपने। अब आते हैं नेक्स्ट, तो भाई अभी जो मैंने समझाया है वो है स्वय विचार। स्वय विचार में क्या था, अब सनी तुम आ रहे थे, एक है जर्नल, जर्नल में मिडल टर्म इरेगुलर है, इन जर्नल पॉजिटिव नहीं मिलते और इन कंक्लूजन नेगेटिव नहीं मिलते, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही नहीं मिलते। हाँ जी सनी, एक सेकंड आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
हाँ जी गुड आफ्टरनून। मैम ये पूछा था मैं आपसे, जो मैम आपने दो तीन स्लाइड पीछे बताई थी ना, ये फॉलेसी और रेगुलर वाली, इसके पीछे वाली। हाँ मैम, ये इसका एग्जांपल जो आपने दिया था, तो मैम इस पर थोड़ा सा पूछना था मैम मेरे को। पूछो। मैम जैसे बाइपेड्स आर ऑल रैशनल बीइंग वाला है ना एग्जांपल, तो मैम इसमें बता दीजिए मैम कि ये जो रैशनल है मैम किसमें आएगा मतलब। यहाँ पे क्या मिस्टेक है ये बता दो। यस मैम। बाइपेड मतलब दो पैरों में चलने वाले, फिर स्वैन भी दो पैरों पे चलती है, ठीक है, तो स्वैन भी रैशनल होगी। ये तो लॉजिकल AIEO रूल से पास हो रहा है, बट जब हम मीनिंग निकालेंगे तो एक्चुअली वो हमारी तरह समझदार नहीं होती, जो समझ ह्यूमन में है। तो यहाँ पर बाइपेड के साथ एक्चुअली ह्यूमन बाइपेड होना चाहिए था, ना कि हर कोई बाइपेड, क्योंकि हर कोई में तो जानवर और बर्ड्स भी आते हैं, पर बर्ड्स हमारी तरह घर नहीं बनाते या प्रॉपर्टी नहीं खरीदते या हमारी तरह अच्छा बुरा देकर डिसीजन नहीं लेते, सोचते नहीं है। मैम ये वह बेचारा में भी था ना, उसमें जनरल वाले में, उसका भी तो वो आज एग्जांपल तो दिया तेज था। कर लो। हेलो हाँ मैम, ये वह बेचारा में जो था एग्जांपल, हाँ उसका भी बता दीजिए मैम। क्या इसी का तो बता नहीं, ये ऊपर वाला। हाँ सर, नहीं इसके इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड वाला, ये ये साधारण वह बेचारा। अनुपसंहारी। अरे कौन सा, मैम वो जनरल वाला, इन जनरल वो जनरल था ना, इसका फर्स्ट वाला, ए वाला। यही का है यहाँ पे, मेरे को तो दिख नहीं रहा। और ये यही तो था, और क्या था ये वाला। हाँ, ये वाला। ये एक्चुअली मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि इसमें एक्स और वाई रहता है, फिर भी बता देती हूँ आप कहते हो तो। एक्चुअली वो इसी उसके अंदर, फिर एक्स और वाई के अंदर ये भरे हुए, फिर भी बता देती हूँ। इफ यू इनफर एक्स, अगर आप एक्स निकालना चाहते हो वाई के बेसिस पे, एक्स इज एबसेंट बट वाई इज प्रेजेंट। अब यहाँ पर मिडल टर्म में एक्स ही एबसेंट हो गया, उसका रैशनैलिटी ही एबसेंट हो गया। आप इनफर क्या करना चाहते हो, आप फाइंड क्या करना चाहते थे कि बाइपेड्स आर रैशनल, बट रैशनैलिटी ही एबसेंट है उसमें वाई में। वो वाई क्या है, स्वान, स्वान में रैशनैलिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डेविएट हो गया, इररेगुलर हो गया, ठीक है जी। तो वो चीज वहां हो ही नहीं रही है। चलो अब आगे पढ़ो। So, ये वाले पॉइंट सारे क्लियर हो गए आपके, स्वय विचार के, ठीक है, इररेगुलर मिडल के। अब सनी ने दोबारा एक रिवाइज करा दिए हैं। अब थोड़ा अगला टॉपिक पकड़ते हैं, दैट इज विरुद्ध, ठीक है। विरुद्ध का मतलब होता है एक दूसरे से बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाना, एक ही स्टेटमेंट में, सेम स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाना इज विरुद्ध। और आपको मैं बताऊं, ये जो इंग्लिश वाला वर्ड है कॉन्ट्राडिक्टरी, ये एक्चुअली थ्री फॉलिसीज में आएगा, लेकिन उनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। इसमें एब्सोल्युटली ऑपोजिट है ये, जैसे कि डे एंड नाइट इज विरुद्ध, वहां पर आ भी कोई नहीं जाता क्योंकि वहां बहुत क्राउड है, इज विरुद्ध। एक सेंटेंस में उल्टा है कि कोई नहीं जाता तो क्राउड कहां से आया। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो दिस इज विरुद्ध। वाई विरुद्ध पॉलिसी, क्योंकि कोई चीज इटर्नल है, परमानेंट है, तो प्रोड्यूस भी हुई है, तो प्रोड्यूस का मतलब नॉन इटर्नल भी, क्योंकि अगर कोई चीज पैदा हुई है, बर्थ हुआ है किसी चीज का या बनाई गई है, देन वो मॉर्टल है, मरणशील है, मरेगी, ठीक है। हियर मिडल टर्म इटसेल्फ डिसअप्रूव द ओरिजिनल प्रोपोजिशन, वो इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। तो मिडल टर्म खुद ही डिसअप्रूव कर रही है अपने आप को। मिडल टर्म क्या है, बिकॉज इट इज प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट जो है तो मरेगा ना, फिर इटर्नल कहां से हुआ, समझे। सो विच इज, अब इसकी डेफिनेशन क्या बोली है, विच इज परवेटेड बाय एब्सेंस ऑफ प्रोबेंडम। प्रोबेंडम में साध्य अभाव, साध्य में है ही नहीं वो चीज। साध्य क्या था, उसका परमानेंट होना, इटर्नल। और मिडल टर्म क्या है कि ये प्रोडक्ट है, अरे प्रोडक्ट है तो इटर्नल ही नहीं हो सकता, ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मिडल टर्म एंड मेजर टर्म आर कॉन्ट्राडिक्टरी,
ठीक है, टर्म समझे आप, साध्य प्रोबेंडम, प्रोबेंडम भी बोलते हैं इसको, प्रोबेंडम में नहीं है ये, ठीक है, एब्सेंट है ये, तो मेजर टर्म में एब्सेंट है, इज विरुद्ध. व्हेन इन्फरिंग एस ऑन बेसिस ऑफ वाई बस बट वाई इज परवेटेड बाय एब्सेंस ऑफ एक्स, वाई तब होगा जब एक्स नहीं होगा, प्रोडक्ट है तो वो परमानेंट ही नहीं है. हेतु इज कैपेबल टू प्रूव एब्सेंस ऑफ साध्य इज प्रपोज्ड इनफर प्रेजेंस ऑफ साध्य. चलो देखते हैं एग्जाम्पल न्याय के हिसाब से. फायर इज ऑन लेक, अभी इन्होंने क्या बोला है, सेंटेंस पढ़िए, सेम डिट्टो सेंटेंस को समझ लीजिए इसी के अंदर, क्योंकि सेम आ जाते हैं, ठीक है. फायर ऑन लेक बिकॉज देयर इज वॉटर, आप इनफर क्या करना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू फाइंड, लेक के ऊपर आग, बिकॉज देयर इज फायर वॉटर. यहां किस चीज की ऑपोजिशन है, फायर एंड वॉटर, पानी एंड आग आर विरुद्ध, ऑपोजिट. पानी यहां पर मेजर टर्म है जिसको फाइंड करना चाहते हो लेख के ऊपर, और क्योंकि मैं डाल दिया आपने पानी, ठीक है, सो वॉटर इज मेजर टर्म एंड क्योंकि मैं डाल दिया तो ये मिडल टर्म है, समझे. तो जब मिडल टर्म एंड मेजर टर्म एक दूसरे के ऑपोजिट होती है तो यहां पर विरुद्ध आता है जी. हां जी, जैसे साउंड इज परमानेंट बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड लाइक जार, तो कितनी बारी बोल दिया है ये, आया बोल तो, गुड सिमरन एंड ऑल. सो फायर इज यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, विरुद्ध हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे फाइंड क्या करना चाहते हो आप, फायर इज परमानेंट, मतलब ये क्यों नहीं, मेजर टर्म क्यों फाइंड करना चाहते हो, बिकॉज में डाला है आपने जार जो प्रोडक्ट है, और ये मिडल टर्म है, और ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है. नाउ सत प्रतिपाक, लास्ट वाला फायर वाला एग्जाम्पल, तो बाधित करेगा, बाधित अभी नहीं ना पढ़ाया मैंने, तो कंफ्यूज मत हो. यहाँ पे हमने बस ये देखना है कि अगर जो फाइंड करना चाहते हो और जो मिडल टर्म है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है कि नहीं, पानी होगा तो अग्नि होगी, आग होगी तो पानी नहीं होगा उस जगह पे, ठीक है, ये उसके ऑपोजिट है. लास्ट में देखते हैं सत प्रतिपाक. सत प्रतिपाक क्या है, इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, इन्फ्रेंस निकालते हुए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. इन्फ्रेंस कैसे निकालते हैं आप बताइए, एक से ज्यादा स्टेटमेंट का सॉल्व करके, ठीक है. जब हेतु एडवांस एस्टैब्लिश पर्टिकुलर साध्य इन एन इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस के अंदर वैलिडिटी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बाय अनदर हेतु इन अनदर इन अदर सेंटेंस. एग्जाम्पल, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, सेंटेंस आपको वैसा ही कुछ लग रहा होगा, लेकिन इधर एक और सेंटेंस होगा जरूर, वो कह रहा है साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोडक्ट लाइक पोट. अब दोनों बातें सही कर रहे हैं, लेकिन एक कह रहा है इटर्नल है, एक कह रहा है नॉन इटर्नल. जब तक हमें आंसर क्लियरली नहीं पता चलता तब तक हम इसको सस्पेंड कर देंगे. सत्य प्रतिपाक, हेयर मिडल टर्म इन फर्स्ट इन्फ्रेंस इज ऑडिबल एंड मिडल टर्म इन सेकेंड इन्फ्रेंस इज प्रोड्यूस्ड, और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है. जब दो सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टेड हो तो सोएंगे इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड. सत प्रतिपाक को हैविंग एंटीथीसिस भी बोलते हैं, समझे. जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता हु इज करेक्ट एंड हु इज रॉन्ग, देन वी जस्ट सस्पेंड द जजमेंट, हम जजमेंट को छोड़ देते हैं जब तक हमें. अब जज क्या करता है, इसका भी नहीं पता चला, वो तारीख पर तारीख डालेगा ना, अब अगली बारी आना और एविडेंस ढूंढ के. सो दोनों ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है. इधर देखो, एक कह रहा है माउंटेन हैज फायर बिकॉज इट हैज स्नो, दूसरा कह रहा है माउंटेन हैज नो फायर बिकॉज इट इज स्टोन. दोनों बातें ठीक है, लेकिन एक दूसरे के विरुद्ध, ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको ये समझ में आया कि विरुद्ध एंड सत प्रतिपाक में क्या डिफरेंस है,
कॉन्ट्राडिक्टरी यहां भी आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी यहां भी आ रहा है, बट इधर वर्ड लगा है इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी। यहां पर एक ही स्टेटमेंट में बिकॉज के अंदर आपकी मिडल टर्म एंड मेजर टर्म अलग होंगे, ये ध्यान रखना। यहां पर एक्चुअली दो सेंटेंस होंगे और ये दोनों सेंटेंस जो प्रूव कर रहे हैं वो एक दूसरे के एंटी होंगे, ऑपोजिट होंगे, इसलिए यहां पर विरुद्ध कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन कौन सा? इन्फ्रेंशियली। यस। अब असिद्ध से पहले मैं आपको बाधित करा देती हूं, क्योंकि असिद्ध के तीन पार्ट है, उसको करने में टाइम लग जाना है, बाधित होना नहीं है, क्योंकि इसका अंदर भी कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड आता है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। बाधित का मतलब है हेतु और नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। इधर वर्ड क्या आ रहा है अब? इधर वर्ड है नॉन इन्फ्रेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी। यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, इन्फ्रेंशियल भी है, बट नॉन इन्फ्रेंशियल। इसका मतलब इस केस में ध्यान रहे, इतने सेंटेंस में ही हमारा दिमाग चल जाएगा, बिकॉज वाला उससे रेलेवेंट भी नहीं होगा पहली बात तो, और उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेकार का होगा आगे का। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रही थी पिछले वाले क्वेश्चन में, फायर ऑन लेक, मैम वो तो पहले ही पता चल रहा है हमें प्रायर नॉलेज से कि लेक पे आग होती नहीं, सही कह रहे हो आप, लेकिन एक्चुअली उसका बिकॉज वाला वाटर वाला पार्ट थोड़ा रिलेटेड था, उसको पढ़ के हमें देखा कि पानी और आग उल्टे हैं। यहाँ बिकॉज पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, वो बेकार होगा, काम का ही नहीं होगा। देखो यहाँ पर फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस, ये क्या सब्सटेंस? वहां पे एक्चुअली लेक एंड वाटर वर रिलेटेड, ठीक है, लेक पे पानी होता है, यहाँ पर ये क्या कोल्ड सब्सटेंस, फायर सब्सटेंस, कुछ भी बेकार की चीज है आगे का, इसको इन्फ्लुएंस निकालने की जरूरत ही नहीं है, समझे? हमें इतने पोर्शन से ही पता चल जाएगा कि फायर कोल्ड नहीं हॉट होती है, फायर नॉट वार्म नहीं वार्म होती है, समझे? तो ये हमारी प्रायर नॉलेज कैसे आ रही है? बुद्धि है हमारे में, बचपन से सीख रहे हम, इसलिए वहां से आ रही है। सो इसलिए यहाँ पर इन्फ्रेंस निकालना ही नहीं है, इस ये निकालने लायक ही नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसको पढ़ के ही समझ में आ रहा है। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर नाउ। मिडल टर्म सब्सटेंस बिकम कॉन्ट्राडिक्टेड बिकॉज द मेजर टर्म कोल्डनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड, कॉन्ट्राडिक्टेड, डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टेड बाय परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हमारी सोच, ज्ञान लक्षण, परसेप्शन से ही पता चल रहा है कि ये गलत बोल रहा है, उसको इन्फ्रेंस नहीं निकाला हमने, डायरेक्ट नॉलेज से पता चल रहा है गलत कह रहा है, हमारी परसेप्शन ज्ञान लक्षण बता रहा है हमें, क्योंकि हमारी प्रायर नॉलेज है। वेरी गुड हेमा, परसेप्शन बता रहा है, प्रत्यक्ष बता रहा है, तो इस अप्रत्यक्ष के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सत प्रतिपाक का एग्जाम्पल रिपीट करें, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रायर नॉलेज, पहले वाली नॉलेज से। तो अभी इन तीनों को रिवाइज कराया थी, असिद्ध हम कल करेंगे। एक तो विरुद्ध है, वो सीधा कॉन्ट्राडिक्ट है, एक ही सेंटेंस उल्टा है, एक है सत प्रतिपाक, इसके अंदर प्रीमाइस वन एंड प्रीमाइस टू होंगे हमेशा, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे इन्फ्रेंशियली, इसलिए इसका मतलब है इन्फ्रेंस निकाला। और एक है हमारा बाधित, इसमें इन्फ्रेंस निकालने की नीड ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बिकॉज वाला पार्ट बिल्कुल बेकार इररिलेवेंट है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, इसके पहले वाला समझा रहा है हमें फायर इज कोल्ड कि ये ऑपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, ये चीज है। आई होप अब तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, आ गया आपको? चलो, नेट फॉर्म में आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा, लिख रहा है नॉट वेरीफाई, प्लीज बता दीजिए।
अपना जिसका दिक्कत आ रही है साइबर कैफे वाले से जाके करवा लो, कई बार उनको पता होता है कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, या नेटवर्क में जाके बैठो, या तो इंटरनेट पर नेटवर्क में जाके बैठो और मेक श्योर की सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो सही डाले गलत ना डाले। थैंक यू टू एवरी। अच्छा, अपने फोन की या फिर लैपटॉप में जहां पर भी ट्राई करो ना, उसमें कैश मेमोरी डिलीट करो पहले, क्योंकि वो स्टोर करके रखे थे ना वो वाली बात, फिर दोबारा वो नहीं हो रहा होता, इसलिए या तो ये काम करो। ठीक है, 20 में है लास्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर JRF ड्रीम बिलीव एक्टिविटी। हैव अ नाइस टाइम, मीट यू सून 5 बजे, कॉमर्स की क्लास है हमारी फाइनेंस की।